वंदे गुरुपद्द्वंद्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वाचाकुवश कृपा सिंधु प्रवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदा वै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्वच कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्त्वये नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरण्य धेयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहं तेथास्पदं शिव विरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं वनुतपालभवद्विभूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदतु संकीर्तनैकवितरो कमलायथाक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिंच मुक्तिंच ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जांग बम वरुणेन्द्र रुदमरुतो सुन
Shrimanti Devai Stavai Vedai Sangha Padakramo Panishadai Gayanti Yam Samaga Dhenavastita Tadagate Namanasa Pashvanti Yam Yogina Yasyam Tamna Viduhu Sura Suragana Devayutasmai Namaha Jang Brahma Varunendaru Damaruto Sunmanti Dibbai Stavai Vedai Sangha Padakramo Panishadai Gayanti Yam Samaga Dhenavastita Tadagatena Manasa Pashvanti Yam Yogina Yasyam Tamna Viduhu Sura Suragana Devayutasmai Namaha Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagat Guruji ne bataye this material world is the perverted reflection of the transcendental world. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagat Guruji ne bataye this material world is the perverted reflection of the transcendental world. ये प्रापंचिक जगत अप्राकृत वैकुंठ जगत का हेयो प्रतिफलन है. ये प्रापंचिक जगत, ये जड़ जगत अप्राकृत वैकुंठ जगत का हेयो प्रतिफलन है. ये प्रापंचिक जगत का निर्माण हुआ है तमाम बद्ध जीवों को ट्रीटमेंट करने के लिए, तमाम बद्ध जीवों का संशोधन करने के लिए ये प्रापंचिक जगत का निर्माण हुआ है. वैकुंठ जगत में भगवान का अंतरंगा शक्ति योगमाया शक्ति के द्वारा भगवान का तमाम लीला विलास आदि होते रहते हैं. वैकुंठ जगत में जो योगमाया अंतरंगा शक्ति है, ये अंतरंगा शक्ति भगवान का वास्तविक शक्ति, ये अंतरंगा शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है, लेकिन वास्तविक ये वैकुंठ जगत का जो अंतरंगा शक्ति नहीं रहने से ये शक्ति का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता रहती है. वैकुंठ जगत का जो स्वरूप शक्ति अंतरंग शक्ति, इसके अलावा और एक शक्ति है बोलकर महसूस होता है, लेकिन वो अंतरंग शक्ति नहीं रहने से ये शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहती है. इसका नाम है छाया शक्ति, महामाया, जिस ब्रह्म संहिता में इस महामाया बहिरंगा शक्ति का बारे में ब्रह्म संहिता में बताया गया. ब्रह्म संहिता में सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव जस्व भिवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि जस्व च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव जस्व भवनानि विवर्ति दुर्गा, भगवान का इच्छा का मुताबिक ये छाया शक्ति बहिरंगा शक्ति ये प्रापंचिक जगत का निर्माण तथा इसमें जो कुछ भी हो रहा है ये बहिरंगा शक्ति का ये प्रभाव है. श्रीमद् भागवत जी महापुराण में दूसरा स्कंद, द्वितीय स्कंद और दसम अध्याय में बद्रायणी वाचो इधर श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को कह रहे हैं अत्रो सर्ग विसर्गस्य
स्थानं पशनमूतयो मन्नंतरेशान काथा निरोधो मुक्तिराश्रयो दशमस्य विशुद्ध्वार्थं नवानमिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मनः श्रुतेनार्थेन चांजसा। हे राजन, श्रीमद् भागवत जी महापुराण में स्वर्गो विसर्गो स्थान पोषण उति मन्नंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति व आश्रय, ये दस किस्म का विषय चर्चा का, ये दस किस्म का विषय चर्चा दिखाया गया, दसम दस विषय। और ये दस विषय एक से दूसरे अलग भिन्न दिखाई पड़ता, लेकिन ये दसम पदार्थों जो आश्रय है, अर्थात ये जो स्वर्गो विसर्गो स्थान पोषण उति मन्नंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति, ये नौ विषय, ये आश्रय नामक जो विषय है, परात्पर अखिलेश्वर भगवान का सहारे में तमाम जगत चल रहा है। ये नौ किस्म का लक्षण के द्वारा, इसका व्याख्या के द्वारा ये दशम विषय को एकदम परिपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ये नौ विषय उठाया गया। तमाम भागवत में, श्रीमद् भागवत जी महापुराण में ये तमाम नौ विषय है, और नौ विषय का चर्चा इसलिए है कि ये दशम विषय को, अर्थात परात्पर अखिलेश्वर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये दशम पदार्थो आश्रय जो भगवान है, ये भगवान का बारे में खुलासा करने के लिए पूरा इसका चर्चा किया गया। और ये जो स्वर्गो है, ये विसर्गो क्या है, ये सब, ये स्वर्गो जो है मतलब गुणोत्रयो महत्तत्वों से विकार प्राप्त होकर प्रकृति क्षोभित होकर गुणोत्रय का विभाग, इसके द्वारा पंच तन्मात्रों पंच महाभूत तमाम इंद्रियोग्राम जो कुछ भी है, तमाम चीज आधिकारिक देवता आदि जो कुछ भी, ये तमाम जो प्रिलिमिनरी अर्थात महत्तत्व से लेकर ये जो विभाग है, इसका नाम है स्वर्ग। प्रकृति जब बैलेंसिंग अवस्था में रहती है, मतलब प्रकृति के अंदर में सतो रजो तमो गुण का एकदम जब बैलेंस अवस्था रहती है, उसी समय सृष्टि का कोई खोज नहीं है। जब क्षोभित होती है ये गुण, सतो रजो तमो गुण, तभी सृष्टि का विषय है, मतलब महत्तत्व से लेकर धीरे धीरे ये जो चर्चा है, ये जब प्रकृति बैलेंसिंग अवस्था में रहती है, इसका नाम है प्रधान, और धीरे धीरे विकार प्राप्त होके तमाम ये जो पंच तन्मात्रों पंच महाभूत पंच कर्मेंद्रियों पंच ज्ञानेन्द्रियों आधिकारिक देवता आदि मन बुद्धि चित्त अहंकार सारे ये सब विषय का जो धीरे धीरे परिणाम प्राप्ति, इसका नाम है स्वर्ग है। और ब्रह्मा से लेकर चेटी तक, अर्थात ब्रह्मा का सृष्टि का अंतर्गत जो कुछ भी चराचर सृष्टि, इसका नाम है विसर्गो। भगवान का द्वारा सृष्टो, भगवान के द्वारा सृष्टो जीव लोगों का तत्त्व मर्यादा रक्षा, जैसा जैसा जीवों का स्थिति है उसका मर्यादा रक्षा, इसका नाम है उत्कर्षो। भगवान की सृष्टि जीव लोगों के तत्त्व मर्यादा रक्षा द्वारा ये उत्कर्षो अर्थात उन्नति,
इनका नाम है स्थिति। ये उत्कर्ष है, ये उत्कर्ष में अवस्थित हो आपन आपन भक्तजनों के पालन भगवान के द्वारा जो होते रहता है, इसका नाम है अनुग्रह, इसको पोषण बोला जाता है। और जीवों का कर्म समूह का जो वासना है इसको ऊती बोला गया। और भगवान के द्वारा अनुग्रहित जो मनवादि मनु आदि इनके जो धर्म है इसका नाम है मन्वंतर। ये जो अपना अपना काम चलाते हैं एक एक मन्वंतर, ये जो भगवान के अनुग्रहित मन्वादि मनु आदि के द्वारा जो धर्म है इसका नाम है मन्वंतर, इसका प्रचार। और भगवान हरि का अवतार चरित, या तो भगवान का जो अनुगत भक्त लोग हैं महापुरुषों का नाना उपाख्यान नाना विचार जो है ये समृद्ध चरित कथा, इसका नाम है ईशानु कथा, इसका नाम है ईशानु कथा। भगवान और भगवान भक्तों के, क्योंकि भगवत तत्व जो है भक्तों से जुड़े हुए हैं, ये भक्तों भगवान भगवत तत्व है, भगवान का नाम धाम परिकर वैशिष्ट भक्तों के द्वारा लीला तमाम एकत्रित होके भगवत तत्व कहा जाता है। भगवान हरि एवं भगवान हरि का जो भक्तुलग महापुरुषों का जो विषय है, इसका जो वर्णन है उपाख्यान समृद्ध जो चरित कथा, इसका नाम है ईशानु कथा। और भगवान हरि योग निद्रा अवलंबन करने का साथ साथ तमाम शक्ति का जो प्रकाश सब भगवान के अंदर में समा जाते हैं, इसका नाम है निरोध। जैसे दशम स्कंद का 87 अध्याय में इस बारे में चर्चा किया गया। यहाँ वेद स्तुति ये अध्याय में ऐसा है, तमाम वेद उपनिषद सब अपना स्वरूप पकड़कर भगवान का आराधना करते हैं। चौमासा चतुर्मास में भगवान जो योग निद्रा अवलंबन करके जो रहते हैं, से समय सब मनी ऋषि सब स्तप करते हैं। इस बारे में भगवत जी महापुराण में 87 अध्याय में लिखा हुआ है, जय जय जा जाम जित दोष गृहीत गुण तमसी दया तमसी यदात्मनो शम बरुद समस्त भग अग जग दुख साम किल सक्त बोध कति। ये जो श्लोक है, जय जय जही अजाम जय जय या जयाम जित दोष गृहीत गुण तमसी यदात्मनो शम बरुद्ध समस्त भग समस्त भगो सब अपने में अवरुद्ध करके भगवान तमाम सृष्टि को एकदम अपना अंदर में लेकर जब समाहित रूप में रहते हैं, इसका नाम है निरोध। निरोध का मतलब है भगवान अकेला रहता है, उस समय कुछ सृष्टि नहीं रहता है। तमाम सृष्टि मतलब भगवान का तमाम शक्ति का प्रकाश भगवान का अंदर में समाहित होके रहती है। इस समय में भगवान का कोई लीला नहीं है, कुछ नहीं, ये जो दिखाई पड़ता है इसका नाम है निरोध। भगवान का साथ भगवान का शक्ति का जो विलास है, ये विलास होने से भगवान का लीला प्रकाशित होते हैं। या तो सृष्टि लीला है, या तो गोलोक धाम वृंदावन में भगवान का जो लीला है, जो भी है वैकुंठ में। अब इधर जो सृष्टि तमाम जो पूर्व कल्प के जितना सारे जीव राशि है, तमाम जीव राशि और भगवान का तमाम शक्ति का प्रकाश भगवान का अंदर में समाहित होके जब रहती है, एक इसका नाम है निरोध। निरोध मतलब भगवान का अंदर में समाहित है। आत्मा अविद्या के द्वारा प्रेरित है, चिन्मय वस्तु आत्मा,
आत्मा का अन्यथा रूप अर्थात अविद्वा के द्वारा आरोपित अज्ञता अज्ञान आदि अंधेरा में जीवात्मा भटकते रहते हैं। और जब ये जीवात्मा किसी भी हालत से साधु गुरु वैष्णव का संग है, किसी भी हालत से अगर अपना स्वरूप को अनुभव करे, ये स्वरूप अपना स्वरूप का अनुभव करे और अनुभव करने का बाद अपना स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, तो इसका नाम है मुक्ति। भागवत जी महापुराण में ये बताया गया, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति। जीवों का स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होना, इसका नाम है मुक्ति। जीव जब माया का प्रभाव से अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं, अपना स्वरूप को भूल जाते हैं, इस समय भटकते रहते हैं। और जिस भगवान से ये विश्व का उत्पत्ति स्थिति लय होते रहता है, जगत का प्रकाश होता है, जिस भगवान से जिस परब्रह्मो और परमात्मा नाम से प्रसिद्ध है, ये परमात्मा ये प्रकृत आश्रय इनको ही बोला गया, अर्थात भगवान स्वयं ये तमाम दुनिया का आश्रय है। भगवान छोड़ के किसी के लिए कोई आश्रय कुछ नहीं है। इसीलिए श्री सुखदेव महाराज जी श्रील वैष्णव जी महाराज का पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी वैष्णव जी महाराज को बादरायन ऋषि और वैष्णव जी महाराज को बादरायन ऋषि और वैष्णव जी महाराज का जो पुत्र है सुखदेव गोस्वामी इसको बादरायणी रुवाच। अत्रो सर्ग विसर्गस्योस्थानं पशुनमूतयो मन्नंतर ईशानुकाथा निरोधो मुक्तिराश्रयो दशमश्च विशुद्वार्थं नवानमीह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मनः श्रुतेन अर्थेन चांजसा। ये दशम लक्षण जो है, दशम पदार्थो अर्थात परात्पर अखिलेश्वर भगवान, इनके बारे में खुलासा करने के लिए तमाम ये जो नौ आइटम है, नौ विषय है, ये तमाम भागवत में ये दस विषय है, अर्थात ये दस विषय के बारे में चर्चा किया, अर्थात स्वर्गो विसर्गो स्थान पोषण उतयो उति अर्थात कर्म वासना मन्नंतर ईशानुकथा और निरोध और मुक्ति राश्रयो हो। ये तमाम विषय का चर्चा श्रीमद् भागवत जी महापुराण में दिया गया है। ये जीव गोस्वामी के द्वारा ये तत्व संदर्भों का रचना, ये तत्व संदर्भ का टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण जी ने पांच अनादि तत्वों का उल्लेख किए हैं। पांच अनादि तत्व बेसिक ब्रह्म एक है, ब्रह्म जीव है, माया काल और कर्म। जीव पहला है ब्रह्म, उसके बाद जीव तमाम जीव, ब्रह्म जीव माया काल और कर्म, ये सब लेके प्रापंचिक रचना तथा जो कुछ भी हो रहा है, ये पांच बेमिसाल तत्व है, पांच अनादि तत्वों का। ब्रह्म जीव और माया अनादि ये आप जानते ही हो। आज चैतन्य चरितमृतों का इधर भी विचार ऐसा किया गया, जीवों का जो कर्म अनादि है जीवों का, लेकिन काल वो कर्मो यद्यपि अनादि है, अनादि फिर भी ये काल और कर्मों का अंत हो सकता है।
कर्मों का अनादिकाल से चल रहा है, काल भी है, अगर नित्य जगत में चले जाए तो ये काल तो कुछ काम का है नहीं जीवों का लिए। सृष्टि का सहाय सबसे बड़ा मूल सहाय कौन है? सृष्टि का रहस्य का चर्चा होते हुए ये सब जितना सारे गंभीर विषय है उसको बड़ा ध्यान से सुनना है। परब्रह्मों से जगत का सृष्टि, ब्रह्म संहिता में या तमाम शास्त्रों में ये विचार दिया गया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, गोविंद भगवान आदि पुरुष तमाम सृष्टि का रहस्य जो है गोविंद भगवान से ही है, भगवान गोविंद से। परब्रह्म सृष्टि का मूल कारण है, माया जीव काल एवं कर्मो सृष्टि का सहाय है, सृष्टि का सहायक है, सहायक माया जीव काल कर्मो सारे ये सृष्टि का सहाय है। ये चार अनादि तत्व किस रूप में सृष्टि का सहाय है इसका बारे में चर्चा धीरे धीरे हो पाएगा। माया का बारे में सबसे बड़ा खुलासा ये है, ये माया बहिरंग माया जो है, माया जगत सृष्टि का गौण उपादान कारण, गौण उपादान कारण और गौण निमित्त कारण, ये दोनों ही हैं। माया जो है बहिरंग माया, ये जगत सृष्टि का गौण उपादान कारण कैसे है इसका बारे में चर्चा करेंगे, और गौण निमित्त कारण भी यही है माया। ये बोलना जरूरी है कि माया का दो वृत्ति है, एक है गुण माया, एक है जीव माया। माया का दो वृत्ति है, एक गुण माया है, एक जीव माया है। पर ब्रह्मों का शक्ति के द्वारा गुण माया रूप में माया प्रकृति गौण उपादक उपादान कारण रूप में सृष्टि कार्यों में सहायता करती है, और परब्रह्म का जो जीव शक्ति है चिन्मय शक्ति, जीव भी चिन्मय है जीवात्मा, सो एक शक्ति ये बताया गया प्रकृति का सृष्टि का सहाय करने वाली, और परब्रह्म का शक्ति से ये जीव माया, ये जो माया है प्रकृति गौण निमित्त कारण रूप में सृष्टि कार्यों का सहायता करती है। अनादि बहिर्मुख जीव सौ स्वरूप खो बैठा है, अनादि बहिर्मुख जीव सौ स्वरूप को खो बैठा है, अज्ञान के द्वारा आवृत होकर अज्ञान अंधेरा में भटकते रहते हैं। ये जड़ शरीर जो मिला है, ये जड़ शरीर में आत्मबुद्धि ये उत्पादन होता है, आत्मबुद्धि पैदा होता है। प्राकृत जगत का जितना सारे वस्तु है, प्राकृत भोग वस्तु, प्राकृत जगत का जितना सारे वस्तु है ये भोग वस्तु, ये भी प्रकृति का ही, प्रकृति से ही आई है। ये प्राकृत भोग वस्तु में जीव लिप्त हो जाता है, भोगों में उछल पड़ता है, और प्राकृत ब्रह्मांड में जीवों का ये देह शरीर आदि जीवों का लिए रचाया गया जो भोग वस्तु, ये सब जो समस्त गौण उपादान कारण गुण माया। जीव वास्तविक रूप में है प्राकृत ब्रह्मांड में जीव, और जीवों का जो भोग वस्तु ये दोनों से ही भरपूर है। विचार ये है कि जीवात्मा जो है ये चिन्मय है, जीवात्मा जो है चिन्मय है, अपना स्वरूप को खो बैठा, भूल गया, और माया का प्रभाव से, गुणमयी माया का प्रभाव से अपना
जो स्वरूप खो बैठा है अज्ञान के द्वारा, ये प्रकृति का अंदर में जो सारे उपादान है, ये सब भोगने के लिए जीवों का अंदर में जब इच्छा पैदा होती है, तब ये जीव मतलब जीवों का जो शरीर है, ये भी प्रकृति का है। ध्यान से सुने, जीवों का जीव चिन्मय है, ठीक है, लेकिन अपना स्वरूप भूलने के कारण ये जड़ जगत में कैसे आया है, इसका बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक बात ध्यान से सुनना चाहिए, ये जीव चिन्मय वस्तु है, लेकिन जीवों का जो शरीर मिला है, या तो लड़का का शरीर, लड़की का शरीर, जानवर का शरीर, जो कुछ भी मिला है, कीट पतंग जो कुछ भी, इन सारे ये जो शरीर है, इसका साथ जीवात्मा का वास्तविक कोई संबंध नहीं है। पहले भी बहुत बार इस विषय में चर्चा किया गया, तो बद्ध जीवों का साथ ये माइक जगत, बद्ध जीवों का साथ ये माइक जगत का कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुकत नहीं है। फिर भी अपना भोग वासना के कारण, भगवान से विमुख होने के कारण, ये प्रापंचिक जगत में उसका अवस्थान है। ये प्रापंचिक जगत में जीव का अवस्थान ये अनंत काल से चल रहा है, फिर भी ये नित्य जगह नहीं है, फिर भी ये नित्य जगह नहीं है। जीव अगर अपना स्वरूप को अनुभव करे, तो प्रापंचिक जगत छोड़कर चिन्मय जगत में, अपना स्वस्वरूप चिन्मय स्वरूप में, चिन्मय जगत में भगवत सेवा में जा सकता है। अब यह रहस्य ये है, प्रकृति जड़ पदार्थ है, चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चरितामृत में सनातन शिक्षा में ये विचार बताया, प्रकृति अजगल स्थान, प्रकृति का कुछ नहीं है, प्रकृति इनर्ट वस्तु है, प्रकृति मतलब जड़ वस्तु है। लेकिन ये जड़ वस्तु होने का बावजूद ये चिन्मय जीव राशि ये प्रापंचिक जगत में है, माया का साथ ऐसा जोड़ गया, संबंध को कुछ नहीं है, फिर भी भोग वासना के कारण ये प्रापंचिक जगत में माया का अंदर जीव फंस गया। अब जीव चिन्मय होने के कारण प्रकृति का कोई चेतन पदार्थ तो नहीं है, प्रकृति जड़ पदार्थ है, फिर भी ये चेतन पदार्थ प्रकृति का अंदर घुस के ऐसा लगता है कि ये प्रकृति का अंदर भी कुछ प्राण है। प्रकृति जड़ पदार्थ है, प्रकृति का अपना कुछ नहीं है। महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया जो कैसे प्रकृति ऐसा प्रकृति क्रिया मानानी, ये जो गीता में बोला, तो फिर आप कह रहे हो कि प्रकृति का कोई प्राण नहीं है, कुछ नहीं है, इनर्ट वस्तु जड़ वस्तु है। तो हम देखे गीता में ऐसा भी बताया गया, प्रकृति क्रिया मानानी गुणो कर्मेर अवसह अहंकार विमरात्मा कर्ता अहम है मन्नते इति मन्नते, इसका कारण क्या है, ये रहस्य है। श्रीमान महाप्रभु जी ने बताए, जैसे एक लोहा को हमने बहुत देर तक आग में गर्म किया, एक लोहे का टुकड़े को हम बहुत देर तक आग में जलाया, जलने का बाद ये आग का जो गनगना आगन आग जो गनगना जल रही है, ये आग का जो कलर है रंग बहुत देखने में सुंदर, जैसे कच्चा सोना, ये आग का जो रंग है, आग का जो गुणावली है, आग का क्या गुणावली है, आग दूसरे को जलाता है, ताप देता है, आलक अर्थात लाइट ये भी देते हैं आग। ये आग का अंदर में जो प्रॉपर्टी है, एक लोहे का टुकड़े को बहुत देर तक आग के अंदर में रखने का कारण, ये आग का जो गुणावली है, ये काला वाला, ये काला लोहे तो काला है,
हृदय का कालापन है, ये आंख का जो गुनावली है, ये लोहे को बहुत देर तक आग में रखने का कारण आंख का गुनावली, आंख का गुनावली ये लोहे के अंदर में संचारित हो गए। महाप्रभु कह रहे हैं अभी आग जैसा जलाने का क्षमता रखता है ये लोहे का टुकड़ा जो आग में इसको बहुत देर तक रखा अभी ये भी जला सकता है, लेकिन ये भी लाइट देता है, ये गनगना है, लोहा जल रहा है, अभी लाल हो गया, अब अंधेरा में रखो तो दिखाई पड़ेगा लाइट जैसा, ताप भी दे रहा है, किसी को जला भी रहा है, लेकिन आपको ध्यान से विचार करना चाहिए ये जो लोहे का कालापन, लोहे का जो क्वालिटी है, गुनावली है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन आग का अंदर रखने का कारण अभी आग का जो गुनावली है ये लोहे का अंदर में संचारित हो गए। ठीक ये उदाहरण समझो, जब भी प्रकृति इनाट है, जड़ है, फिर भी ये जितना सारे चिन्मय जीव राशि है, मतलब भगवान का जीव शक्ति, ये प्रापंचिक जगत में आके ये माया का साथ ज्वाइंट वेंचर किया। जैसे बिजनेस में ये ज्वाइंट वेंचर होता है ना, एक साथ मिलके पार्टनरशिप बिजनेस ज्वाइंट वेंचर, ये चिन्मय वस्तु प्रकृति का अंदर में घुसकर ऐसा हालत पैदा कर दी कि मानो की प्रकृति को लगता है प्रकृति का अंदर प्राण है। आप बोलते हैं प्रकृति का अंदर प्राण नहीं है, कैसे नहीं है, प्राण है, दिखाई पड़ता। इसका कारण जो उदाहरण ने दिया ऐसा है, मतलब चिन्मय जीवात्मा प्रकृति का अंदर घुस के प्रकृति का जितना सारे तमाम प्रकृति अपना मार्केट को सजा के रखे, रूप रस शब्द स्पर्श गंध सारे एकदम अपना न्यू मार्केट खोल के रखे, इसमें जिसको जो एंजॉयमेंट का वस्तु है उठाए और ले ले एंजॉय करे। अब ये जीवात्मा का अंदर में चेतन पदार्थ होने के कारण इच्छा शक्ति है, प्रकृति का कोई इच्छा शक्ति नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ा हैरान की बात है ये प्रकृति का अंदर में जीवात्मा घुसकर, एक उदाहरण दे, एक जीवात्मा प्रकृति का उपादान अर्थात खेती अपो तेज मरुद बोम पांच भौतिक शरीर पकड़ा है, एक जीवात्मा लड़का हुआ, एक जीवात्मा लड़का हुई है। अब ऐसा रहस्य है ये दोनों का अंदर में चेतन पदार्थ है, अब भोगने का वासना है, लेकिन भोगने का वस्तु कौन है, भोगने का वस्तु तो कुछ नहीं है, सिर्फ प्रकृति। लड़की का शरीर जो है ये पंचभौतिक है, लड़का का शरीर जो है ये भी पंचभौतिक है, लेकिन इन दोनों का अंदर में भोग वासना होने के कारण, माया में फंसने का कारण, एक दूसरे को भोगने का समान समझ लिया और आनंद ले रहा है। ऐसा करके दुनिया में कोई भी वस्तु, खाने का वस्तु हो, देखने का वस्तु हो, सुनने का वस्तु हो, स्पर्श करने का वस्तु हो, जो भी हो, हम प्रमाण करेंगे कि तमाम ये प्रकृति का वस्तु है, चिन्मय आत्मा का साथ इसका कोई ताल्लुकात है नहीं, ये जड़ वस्तु है, लेकिन फिर भी इतना अपना प्रभाव हासिल किए हैं, किस लिए, वही चिन्मय जीवात्मा इसका अंदर में घुस गए। इसे एक प्रमाण दे रहे हैं गीता से, गीता श्रीमद भगवत गीता इसमें भूमि राप अनलो वायु खंग मनोबुद्धि रेवच अहंकार इतिया में प्रकृति रष्टोधा। भगवान ने गीता में अर्जुन को बताए जे ये सब जो चीज भूमि मतलब मिट्टी, भूमि रापो, आपो माने जल, भूमि रापो अनलो वायु, अनन आगुन वायु, खंग आसमान स्पेस है,
अनलो है भूमि राप अनलो वायु खंग मनो बुद्धि रे वच। ये आठ किस्म का, ये आठ किस्म का विभाग बनाकर भगवान कह रहे हैं ये प्रकृति का, ये जब भी जड़ है, अबद्ध अवस्था में जीवों का जो मन है ये भी जड़ है, प्रकृति का समान है। बद्ध अवस्था में जीवों का जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, ये भी जड़ है, अप्राकृत नहीं है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आठ किस्म का विभाग है, आठ किस्म का विभाग बना के प्रकृति अपना मार्केट को, अपना दुकान को सजाए है, सजाई है। भूमि रापो है, भूमि राप अनलो वायु खंग मनोबुद्धि रेवचा। अहंकार इतियंग में अहंकार जो है ये भी प्राकृत है। ये तमाम चीजों को लेकर माया देवी अपना मार्केट खुल के रखी है, और इसी में ये जितना सारे जीवात्मा है फंस गया है। ये जीवात्मा कैसे आया है प्रकृति का अंदर, इसका बारे में हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे इस विषय में। फिर आगे चल के कैसे सृष्टि का निर्माण हुई इसका बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये बात तो सही है, जे सृष्टि कार्य में पुरुष अवतार और गुण अवतार का योगदान है, सबसे बड़ा योगदान है पुरुष अवतार का। कैसे? पुरुष अवतार का बारे में हमने पहले भी कहा, सृष्टि का रहस्य चर्चा करना है तो खुल्लाम खुल्ला चर्चा करना जरूरी है। जैसे हमने बताया वृंदावन में अंत प्रकोष्ठ में कृष्ण और बलराम जी रहते हैं। ये जो बलराम जी महाराज है ये मूल संकर्षण है, ये बलराम जी महाराज मूल संकर्षण भगवान का प्रथम प्रकाश विग्रह। ये बलराम जी महाराज विराजमान है भगवान श्री कृष्ण के साथ। हमने कई बार कह चुका कृष्ण भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो जो ये जो शिव विग्रह है, एक बल्लभ जी महाराज जो मूल संकर्षण, ये शिव विग्रह भगवान है कृष्ण, और शिवक विग्रह ये प्रथम प्रकाश विग्रह बल्लभ जी महाराज, जिनको मूल संकर्षण बताया गया। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर फोबा जी ने प्रमाण दिया कि जब भी ये कृष्ण भगवान स्वयं सेव्य विग्रह है, और सेवक विग्रह में मतलब सेवक विग्रह मतलब गुरु तत्व ये बलराम जी महाराज, फिर भी भगवान का पहला प्रकाश विग्रह, प्रथम प्रकाश विग्रह जो बलराम जी महाराज, इनके बारे में शास्त्र में विचार है, ये जब भी सेवक भगवान लगता है फिर भी वो सेव्य भी है और सेवक भी है। एकमात्र ये मूल संकर्षण भगवान का प्रथम प्रकाश विग्रह, इनके बारे में ये विचार है, जब भी ये सेवक विग्रह है फिर भी भगवान से अभिन्न है, और ये बलराम जी महाराज का अर्चन भी होता है ऐसे सेव्य विग्रह, जैसे बलराम जी महाराज का रासलीला संभव है। भगवान का कोई भी प्रकाश, भगवान का कोई भी अवतार का कोई रासलीला आदि हो नहीं सकता। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का लिए ही रास, ये जो कथा रास है ये हो सकता, लेकिन बलराम जी महाराज के लिए भी ये रासलीला संभव है। जब भी एक ही जुथ हो, मतलब एक ही ग्रुप नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का गोपियों का ग्रुप अलग है, बलराम जी महाराज का गोपियों का ग्रुप अलग है, लेकिन ये संभव है। ये सेव्य विग्रह रूप में भी कभी कभी रहते हैं, और सेवक विग्रह रूप, सेवक रूप में भी ये संभव है। मयूर का पंखा भगवान श्री कृष्ण का ही अधिकार है, किसी का अधिकार नहीं है, और बलराम जी महाराज का भी अधिकार है, क्योंकि कृष्ण बलराम अभिन्न। एकमात्र ये बलराम जी महाराज जो है अंतकरण में, वृंदावन का अंतकरण में जो विराजमान है मूल संकर्षण,
ये बल्लभ जी महाराज का ही ऐसा अधिकार है, बाकी किसी का नहीं है। ये बल्लभ जी महाराज जो है ये गोलोक धाम वृंदावन का बाहरी प्रकोष्ठों में श्वेतोद्वीप बोल के एक जगह है, ये गोलोक धाम ही है, गोलोक धाम से अलग नहीं है। ये गोलोक धाम का बाहरी चत्तर में चारों ओर चतुर्भुह है, चारों ओर चतुर्भुह है। ये चतुर्भुह जो है ये मूल संकर्षण बल्लाजी महाराज से आए हुए हैं। ये गोलोक धाम वृंदावन का चारों ओर चार भगवान का ये बल्लाजी महाराज से आए हुए हैं। वसुदेव संकर्षण पद्युन्नो अनिरुद्ध इसको बोलता है पहला चतुर्भुह, इसका नाम है पहला चतुर्भुह। ये पूरा गोलोक धाम को घेर के रखे हैं। फिर इसके बाद गोलोक धाम का नीचे वैकुंठ धाम, ये वैकुंठ धाम में भी चारों ओर वैकुंठ जगत का चारों ओर और एक चतुर्भुह है। ये चतुर्भुह है ये जो मूल संकर्षण से एक चतुर्भुह हमने देखा गोलोक का चारों ओर। यहां जो संकर्षण जी महाराज है ये मूल संकर्षण का प्रकाश है, ये मूल संकर्षण है और ये महासंकर्षण है। ये महासंकर्षण जी महाराज ये फिर द्वारा अर्थात ये वैकुंठ जगत का चारों ओर और एक चतुर्भुह है, वहां भी वसुदेव संकर्षण पद्युन्नो अनिरुद्ध, यहां भी एक संकर्षण है। तो मूल संकर्षण अंदर में वृंदावन, उसका बाद महासंकर्षण, उसका बाद संकर्षण नीचे आए। ये संकर्षण वैकुंठ जगत का जो चतुर्भुह संकर्षण है, ये संकर्षण से सृष्टि लीला के लिए, ये संकर्षण से सृष्टि रचना के लिए तीन पुरुष अवतार का वर्णन आता है। ये संकर्षण महाराज से पहला पुरुष अवतार कर्णोन्नवसायी, जो कारण सागर में विरजा कारण सागर में विराजमान रहते हैं, इसका सृष्टि मतलब अनंत काल से। जब भी ये शब्दों मैंने प्रयोग किया जो संकर्षण भगवान से तीन पुरुषावतार आए हुए हैं, तीन पुरुषावतारों में पहला पुरुषावतार कर्णोन्नवसायी और दूसरा पुरुषावतार गर्भद गोसाई विष्णु, पहला पुरुष अवतार करुणोन्नवसायी महाविष्णु से द्वारा ये आए हैं। द्वितीय पुरुष अवतार दूसरा पुरुष अवतार इसका नाम है गर्भद गोसाई विष्णु, और ये गर्भद गोसाई विष्णु से फिर तीसरा पुरुष अवतार आए हैं, इनके नाम है क्षीरोद गोसाई विष्णु। अब एक एक अवतार का विशेष क्या है इस बारे में चर्चा में समय लगेगा। ये कर्णोन्नवसायी महाविष्णु जो वैकुंठ का चतुर्भुह का अंदर संकर्षण महाराज से ये जो चतुर्भुह पहला पुरुष अवतार जो है ये कर्णोन्नवसायी महाविष्णु, जिसका बारे में ब्रह्म संहिता में बताया गया जस्यैक निःशेषितो कालमथावलम्बो जीवन्ति लोमो विलजा जगदन्दनाथा विष्णुर महानस इहो यस्य कला विशेषो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये जो ब्रह्म संहिता इधर बताया गया ये महाविष्णु अर्थात कर्णोन्नवसायी महाविष्णु के बारे में, अर्थात ये जो कर्णोन्नवसायी महाविष्णु है, ये जो कर्णोन्नवसायी महाविष्णु है, ये महाविष्णु का निश्वास के साथ निश्वास है एक्सिलेशन निश्वास, ये निश्वास के साथ अनंत ब्रह्मांडों का प्रकटन होता है।
जस्यैक निःशेषितो कालमथावलम्बो जीवन्ति लोम विलजा जगदन्ननाथा विष्णुर महानस इहो जस्य कलाविशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये जो कर्णनवसाई महाविष्णु, इनके निश्वास से अनंत ब्रह्मांड का प्रकटन होता है, अनंत ब्रह्मांड का प्रकटन होता है। और ये अनंत ब्रह्मांडों का एक एक ब्रह्मांड में, ये अनंत ब्रह्मांडों का एक एक ब्रह्मांड में स्वयं गर्भदुगोसाई विष्णु का रूप धारण करके विराजमान हो जाते हैं। हर एक एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भदुगोसाई विष्णु हैं, और एक एक ब्रह्मांड में एक श्वेतद्वीप है। ये श्वेतद्वीप जीव अंतर्जामी रूप में क्षीरोदगोसाई विष्णु, क्षीरोदगोसाई विष्णु, ये जो क्षीरोदगोसाई विष्णु अनिरुद्ध विष्णु जीव अंतर्जामी तमाम जीवों का ये लीडर है, माने सोर्स ऐसा। अब ये प्रश्न आता है सृष्टि का रहस्य बारे में। ये मोटा मोटी पहले ये चर्चा हमने करने के लिए मजबूर है, कर दिया। अब सृष्टि कैसे हुआ, क्योंकि कर्णोन्वसायी विष्णु जो है, कर्णोन्वसायी महाविष्णु से अनंत ब्रह्मांड का निर्माण आदि ये कैसे हो सकता है, ये बारे में चर्चा होना जरूरी है। ब्रह्मांड का सृष्टि आदि ये सारे पुरुष अवतार का कार्य है, और गुण अवतार का बारे में ये बोलना जरूरी है। जे ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये तीन रूप पकड़ के भगवान सृष्टि का रक्षा, सृष्टि का रचना, सृष्टि का पालन और ध्वंस ये करते रहते, जिसका बारे में भगवत में श्लोक आता है। ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं, सृजामि तन्निजुक्त अहम हरो हरोति तद्वसः विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक्। क्या बताया, सृजामि तन्निजुक्त अहम हरो हरोति तद्वसः विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक्। सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा, सृष्टि का रक्षा विष्णु, सृष्टि का ध्वंस ये जो शंकर भगवान रुद्र रूप में, ये सारे गुणावतार है। अर्थात पुरुष अवतार और गुणावतार दोनों का ही योगदान है सृष्टि में। पहला जो कारणोन्वसायी विष्णु का बारे में बताया, ब्रह्मांड सृष्टि का आदि में, ब्रह्मांड सृष्टि का आदि, इसका बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनना है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाए। ब्रह्मांड का सृष्टि का आदि ये पुरुष अवतार का कार्य है। इस विषय में प्रमाण है श्रीमद् भागवत जी महापुराण में, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतं सरसो कलामादौ लोको शिक्षया। क्या बताया, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतं सरसो कलामादौ लोको शिक्षया। अर्थात ब्रह्मांड का निर्माण सृष्टि आदि ये पुरुष अवतार का कार्य कैसे है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। ये कर्णोन्वसायी महाविष्णु जो है, ये कर्णोन्वसायी महाविष्णु ये महत्तत्व का सृष्टिकर्ता। कर्णोन्वसायी जो महाविष्णु है, ये महत्तत्व का सृष्टिकर्ता। और महत्तत्व का सृष्टि होने का तो ये तो विषय है ही है। महत्तत्व का सृष्टिकर्ता कौन है, ना कर्णोन्वसायी महाविष्णु, ये महत्तत्व का सृष्टिकर्ता। कैसे क्या होता है, इसका बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले ये चर्चा करना जरूरी है, प्रथम पुरुष अवतार महत्तत्व का सृष्टिकर्ता,
अनंत ब्रह्मांड का निर्माता, द्वितीय पुरुष अवतार का बारे में एक एक ब्रह्मांड का अंदर में जो गर्भदुग साई विष्णु है, ये प्रथम पुरुष अवतार कारणनव साई महाविष्णु का द्वितीय बुहो बा प्रकाश है, द्वितीय बुहो जिसका बारे में भगवत जी महापुराण में आता है, जस्याम बसी शयनस्य योगो निद्राम वितन्वतः नाभि हृदात अम्बुजात आसीत ब्रह्मा विश्व सृजाम पति ही। क्या बताया? जस्याम बसी शयनस्य योगो निद्राम वितन्वतः नाभि हृदात अम्बुजात आसीत ब्रह्मा विश्व सृजाम पति ही। कहने का मतलब है ये जो प्रथम पुरुष अवतार भगवान महाविष्णु कारणोन्वसाई से हर हर प्रत्येक ब्रह्मांड में जो कारणोन्वसाई महाविष्णु से ये जो गर्भदुग्धसाई विष्णु का आविर्भाव, ये गर्भदुग्धसाई महाविष्णु गर्भ उदके स्वयं विराजमान रहते हैं। इन्हीं के नाभि पद्म से, इन्हीं के नाभि पद्मों से एक पद्म फूल का उत्पन्न हुई। पद्म फूल मतलब पद्म जैसा, इसका तुलना किया गया पद्म फूल का साथ। ये नाभि हृदाद अम्बुजाद आसित ब्रह्मा विश्व सृजन पति, और ये नाभि पद्मों से जो पद्मों का उत्पन्न हुए, ये पद्मों में विश्व सृजन पति ही अर्थात ब्रह्मा जी ने अपने को आविष्कार किया। मैं कौन हूं, कहां से आया, ये क्या बात है, ऐसा करके सोचने लग गए। और ये जो ब्रह्मा का जो स्थान है, पद्मों का कोर मतलब अंतकरण पद्मों का, और ब्रह्मा जी मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इसको छानबीन करके देखने के लिए ब्रह्मा अपना पद्मों का जो नाल है स्टेम का अंदर बहुत छानबीन किए, लेकिन कोई कारण नजर नहीं आए, कुछ समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं, अरे ये पद्मो क्या है, कहां से मैं आया हूं, क्या मेरा काम है। इसके बाद हैरान होके जब सोचने लग गए तो आसमान में एक वाणी, एरियल वॉयस आकाशवाणी पे, तपो 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 मतलब तुम तपस्या करो, तपस्या का द्वारा सारे समस्या का तुम्हारा समाधान हो सकता है। ब्रह्मा जी ने चंचलता परित्याग पूर्वक जब तपस्या शुरू की, तपस्या करने का साथ साथ ब्रह्म संहिता में है भगवान कैसे ब्रह्मा जी को प्रकट, ब्रह्मा जी का हृदय में प्रकट होके दर्शन दी। इसका साथ साथ चतुश्लोक की भागवत में जो ब्रह्मा जी को ज्ञान तरंग चढ़ाए, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए, क्या जो भागवत जी महापुराण में चतुश्लोक की भागवत जो है, चतुश्लोक की भागवत में ज्ञानम परमम गुज्यंग मे यद विज्ञान समन्वितम सरसम तदंगं च ज्ञान गदितं मया जवान हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात् अहोमिवासमिवाग्रे नान्यत् स सत्परम् पश्चादहम् यदि चच्च जावशिष्यति सोऽस्मि अहम् रितियर्थं यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्वत् आत्मानमायम् यथा वासु यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेषु प्रविष्टान्नुपविष्टानि तथा ते सुनातीशुहम इतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्न अन्नव्यतिरिकाभ्याम यत्सत् सर्वदा एतत्मतम समातिष्ठो परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमोह्यति कर्हिचित्। अर्थात ब्रह्मा जी को भगवान भगवत तत्व, भगवान स्वयं भगवान भगवत तत्व विज्ञान उपदेश की। ब्रह्मा जी संस्कृत हुए, संस्कृत मतलब संस्कार, ब्रह्मा जी का संस्कार गायत्री मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी का संस्कार कराए भगवान स्वयं, इसका बारे में ब्रह्म संहिता में बताया गया। अब इतना चर्चा करने का समय नहीं है,
क्योंकि ऐसे ही बड़ा गंभीर विषय है। सो ये ब्रह्मांड का अंदर में गर्भ उदके स्वयं रतो योग निद्रा विस्तार कारी द्वितीय पुरुष जो है गर्भदुग साई विष्णु, इनके नाभि पद्मों से विश्व सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुई। और ये व्यष्टि ब्रह्मांड समस्त सृष्टि होने के बाद परम पुरुष अवतार एक एक रूप में प्रति ब्रह्मांड में प्रविष्ट होता है, ये सब बताए। और ये नाभि पद्मों से ब्रह्मा का उद्भव गर्भदुग साई पुरुष से, ये भी बताए। और तृतीय जो तृतीय पुरुष अवतार, तीसरा पुरुष अवतार, हर जीवों का अंदर में अंतर्यामी रूप में विराजमान परमात्मा, ये खिरोदगोसाई अनिरुद्ध विष्णु जीवांतर्यामी, ऐसा करके ये चर्चा आगे बढ़ रहा है। ध्यान दे इस विषय पर, हमने चर्चा की जी ये जो है एक एक ब्रह्मांड जो है, एक एक ब्रह्मांड जो है, एक ब्रह्मांडों का एक आवरण, सात आवरण है एक एक ब्रह्मांड का। एक है खिति, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार तत्व, महत्त्व, ये सात सात आवरण का अंदर में एक ब्रह्मांडो रहता है। अभी ये सर्गो और विसर्गो के बारे में मैंने पहले शुरू में बता दिया, ये सर्गो और विसर्गो क्या है इसका बारे में बता दिया। पहले बताया ये जो कारण सृष्टि, अर्थात महत्त्व से आगे बढ़ते बढ़ते सृष्टि का एनालिटिकल प्रोग्रेस, इसका नाम है सर्गो। और ब्रह्मा से जो सृष्टि का निर्माण, एक विसर्ग है। स्थावर जंगम, व्यष्टि सृष्टि, व्यष्टि जीव का शरीर आदि, व्यष्टि जीवों का लिए व्यष्टि भोग वस्तु आदि का सृष्टि, इसका नाम है विसर्ग। इसका बारे में हमने पहले बता दिया। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा महदादि का मध्य जीव का पूर्व वासना का अवस्थिति है। व्यष्टि सृष्टि कर्ता ब्रह्मा प्रति जीव का शरीर निर्माण, अर्थात माया का सहयोग से प्रति जीव का शरीर निर्माण होता है, सृष्टि होता है अपना कर्म फल को भोगने के लिए। अब ये चर्चा करना जरूरी है कि सृष्टि का पहले क्या, कैसा अवस्था रहता है, सृष्टि का पूर्व अवस्था क्या है, इस बारे में चर्चा जरूरी है। सृष्टि का प्रारंभ में नाम रूप विशिष्ट दृश्यमान जगत कुछ नहीं रहता है। मैंने ये प्रमाण दिया भागवत जी महापुराण से, भगवान तमाम सृष्टि को अपना अंदर में, जैसे भगवान का एक निश्वास के द्वारा, एक निश्वास का स्थिति काल, ध्यान से समझे, भगवान महाविष्णु का एक निश्वास का जो स्थिति काल है, ये तमाम सृष्टि का ये अस्तित्व रहता है। फिर इसका बाद निश्वास का बाद जो प्रश्वास, अर्थात अंदर में वायु, अंदर में सारे वायु को ले लेते हैं, तब तमाम सृष्टि शक्ति जो कुछ भी है भगवान का अंदर में समा जाते हैं, इस बारे में हमने बता दिया। ब्रह्म संहिता का श्लोक का उपमान, जस्यैक निःशेषित कालो मथावलम्बो जीवन्ति लोमो विलजा जगदन्दनाथ विष्णुर महान स इहो यशो कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। अब ये बोलना जरूरी है कि ये जो सृष्टि का प्रारंभ है, सृष्टि का पूर्व ऐसे तो सृष्टि अनादि है ही है, फिर भी सृष्टि का प्रारंभ है पूर्वे, ये नाम रूप अलग अलग सा नाम पर गया, रूप पर गया, मैं अलग अलग सा शेप एंड डिजाइन, ध्यान दे, ये सृष्टि का प्रारंभ है, ये अलग अलग सा नाम रूप लेकर ये प्रकृति अपने को मैनिफेस्ट कर देती भगवान का कृपा से और चेतन जीवात्मा का सहयोग से,
क्योंकि चेतन पदार्थ तो नहीं है तो प्रकृति कोई काम का नहीं है, मैंने पहले ही बताया। वह सृष्टि का प्रारंभ है नाम रूप, ये विशिष्ट, ये जो दृश्यमान जगत है ये दृश्यमान जगत नहीं था। नाम रूप विशिष्ट जगत, नाम रूप विशिष्ट जगत जब प्रकृति में परिणत होके नाम रूप विशिष्ट, ये जो तरह तरह का नाम रूप विशेषण टाइटल है सारे समाहित होके प्रकृति का अंदर में लीन होके रहता, प्रकृति में परिणत होकर बैलेंसिंग अवस्था में प्रकृति का कोई एजिटेशन नहीं है, मैंने पहले ही बताया ये प्रकृति का सतोरजो तमो ये गुण का बैलेंसिंग अवस्था, इसका नाम है प्रधान। ये प्रकृति क्षोभित होने का बाद क्या का होता है इसका बारे में चर्चा करेंगे। मतलब ये अलग अलग सा नाम रूप विशेषण ये सब लेके प्रकृति में परिणत होके प्रकृति में लीन अवस्था में थे और सौ सौ अपना अपना कर्मफल को आश्रय करके जीव तमाम जीवराशि सूक्ष्म रूप में भगवान महाविष्णु का अंदर में लीन होके इतना समय तक रहे। जब ये सब कोई सृष्टि नहीं रहता है इसका नाम है महाप्रलय। जब कोई सृष्टि नहीं रहता है इसका नाम है महाप्रलय। महाप्रलय महाप्रलय का समय प्रकृति का जो त्रिगुण है, प्रकृति का सत्र जो तमोगुण, ये साम्य अवस्था, साम्य मतलब बैलेंसिंग अवस्था, इसका कोई क्षोभित अवस्था नहीं है, बैलेंसिंग अवस्था में रहता है। तो इसलिए प्रकृति क्रियामाना नहीं, ये दिखाई नहीं पड़ता, एकमात्र भगवान रहता है विराजमान, जो चतुर्थ श्लोक में बताया ना है, सारे कुछ नहीं है तो भगवान है एकमात्र। तो ऐसा करके आगे चल के देखा जाता है भगवान का जो सृष्टि करने का इच्छा पैदा होती है तब कारणानुसारी महाविष्णु का आविर्भाव होता। आविर्भाव का मतलब ये मत समझो कि काल आविर्भाव हुआ, आविर्भाव तिरो इत्यादि लिखा गया लेकिन नित्य है, हैं? जीवों का निर्माण का विषय में बोला गया लेकिन जीव ये भी नित्य है, ये जो नित्य है इसका बारे में निर्माण आदि ये शब्दों नहीं चलता है, लेकिन फिर भी अप्राकृत जगत में ये एप्लीकेबल है। भगवान का जो सृष्टि का इच्छा पैदा होती है कारणानुसारी महापुरुष का आविर्भाव, जब भी नित्य है फिर भी उसका आविर्भाव, जिसका बारे में हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम सरसो कलामादो लोको से शिक्षया। ये कारणानुसारी जो महापुरुष है महाविष्णु, ये प्रकृति का प्रति इक्षण इक्षण मतलब देखते हैं। ये कारणानुसारी जो महाविष्णु है, ये कारणानुसारी महाविष्णु का बारे में गीता में भगवान स्वयं ये अर्जुन को बताए, मायाध्यक्षेन प्रकृति स्वेति चराचरम, मायाध्यक्षेन अंडर माय प्रिंसिपलशिप दिस प्रकृति है, प्रकृति स्वेति चराचरम गोइंग टू गिव बर्थ, ये प्रकृति मेरा इक्षण के द्वारा मेरा प्रिंसिपलशिप में, मेरा अध्यक्षशिप में, मेरा अध्यक्षता में, ये करुणानुसारी महाविष्णु के बारे में ही गीता में बताया गया, मैं अध्यक्षेन प्रकृति स्वयति चराचरम। अब ये बात समझना जरूरी है, ये कारणानुसारी महाविष्णु जब प्रकृति का ओर इक्षण, इक्षण मतलब देखना, अर्थात कारणानुसारी कारणानुसारी महाविष्णु प्रकृति का इक्षण करता, ये माने क्या है, माने हैं तात्पर्य ये है कारणानुसारी महाविष्णु जब प्रकृति का ओर दृष्टि डालते हैं इसी समय प्रकृति का गर्भो संचारित हो जाते। जैसे प्राकृत जगत में स्त्री पुरुष मिलन में गर्भ संचारित होते हैं बीजो अधम, ठीक ऐसा ही पद्धति, लेकिन ऐसा जड़ो नहीं है, ये उदाहरण देने के लिए मैं मजबूर हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
जो महाविष्णु और प्रकृति के अंदर में ऐसा कोई रिलेशन है, ऐसा नहीं। ये समझना चाहिए जी प्रकृति मैटर है, जड़ वस्तु है और भगवान चिन्मय है, भगवान सच्चिदानंदमय। भगवान का साथ प्रकृति का, भगवान का साथ प्रकृति का डायरेक्ट संयोग, भगवान का साथ चिन्मय, भगवान का साथ सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का साथ प्रकृति का डायरेक्ट संयोग होना संभव नहीं, ये किसी भी हालत से संभव नहीं। लेकिन ये इखन करते हैं, मतलब देखते हैं, देखने का साथ साथ क्या होता है, प्रकृति का अंदर में गर्भो संचारित हो जाते हैं। और ये गर्भो संचारित होने का माने क्या है, इसका बारे में हम चर्चा करेंगे। सृष्टि का पूर्व में माया व प्रकृति सम्म अवस्था, सम्म बैलेंसिंग अवस्था में थे। सम्म अवस्था जब विनाश ना होता, अर्थात क्रियाशील नहीं होने से, तब प्रकृति का क्रिया, प्रकृति क्रियामाना नहीं, ये संभव नहीं। ये कैसे होता है, प्रकृति क्रियामाना नहीं, शक्ति का क्रिया व्यतीत हो सम्म अवस्था भगवान। इसीलिए कारणानुसार महाविष्णु बहुत बहुत दूर से प्रकृति का ओर दृष्टि निक्षेप करते हैं, करने का साथ साथ शक्ति संचारित हो जाते हैं। मतलब जितना सारे पूर्व कल्पों का अनंत जीव सब प्रकृति का गर्भ में संचारित हो, और प्रकृति का साथ ये चिन्मय जीवात्मा सब जीव पुरुष, ये भी पुरुष है, भोगने का वासना है, ये जीव नामक पुरुष हर आदमी का अंदर में, हर व्यक्ति हर जीव का अंदर में दो पुरुष है, एक है जीवात्मा जिसको भोग वासना है, एक है वास्तव पुरुष जिनके भोगने का अधिकार है, अर्थात भगवान परमात्मा। ये दृष्टि के द्वारा पूर्व कल्पों में जितना सारे जीव अपना कर्म फल लेकर, अदृष्ट लेकर ये महाविष्णु में समाहित और लीन होके रहे थे, ये सब प्रकृति का अंदर में, प्रकृति का अंदर में संचारित होने का कारण अब प्रकृति विक्षुब्ध हो जाती है, प्रकृति का जो बैलेंस है सम अवस्था डिस्टर्ब हो जाते। ये काल भगवान के काल की प्रभाव के द्वारा, भगवान के काल के प्रभाव के द्वारा प्रकृति क्षोभित हो जाती है, और पुरुष उस समय जो जीव रूप वीर जो आधान कर देते हैं, शो अपना अपना कर्मफल का अनुसार तमाम जीव राशि महाप्रलय काल में सूक्ष्म रूप में है, महापुरुष के आश्रय करके समाहित रूप में रहते लीन होकर। अब ये सब जीव जो है प्रकृति का गर्भ में संचारित हो गया। अब काल वृत्वातु मायायम गुणमज्ञाम अधक्षजः पुरुषेन आत्मो भूतेन बिरजम आधत्तो बिरजवान। ये प्रकृति का, ये पुरुष कर्तिक प्रवर्तित काल, ये पुरुष के द्वारा संचारित जो काल है, कर्मों और प्रकृति स्वभाव इना ये परिणाम प्राप्त होने के लिए दौड़ रहा है। ये जो ये महत्त्व जो है त्रिगुणात्मिका प्रकृति, अभी ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है, ध्यान दे, ये जीव अदृष्टो अनुकूल में, जीवों का भाग्यो अदृष्टो का अनुकूल में प्रथम पहला परिणाम जो है, ध्यान दे, जीवों का अदृष्ट में, भाग्य में जीवों का अदृष्ट में अनुकूल फेवरेबल पहला परिणाम जो है प्रकृति जो लाभ करती है, इसका नाम है महत्त्व। महत्त्व मीन द पॉसिबिलिटी, संभावना। काल कर्मो स्वभावंचो मायेशो मायेशो मायाया स्वया आत्मनम जद्रिच्छया प्राप्तम विभुभूषु रूपाददे। कालत गुणो व्यतिकरह परिणामो स्वभावतः कर्मणो जन्मो महतः पुरुषाधिष्ठिताद अभूत। अर्थात त्रिगुणात्मिका प्रकृति से, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से
ये महत्त्व का उद्भव है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से ये महत्त्व का उद्भव है, उद्भव पहला। सो सुतरांग ये महत्त्व का अंदर में है, सत प्रकृति का सतरज तमो गुण स्वाभाविक रूप में विराजमान है। ध्यान दे, प्रकृति से ये महत्त्व का उद्भव हुआ। सो सुतरांग महत्त्व का अंदर में सतो रजो तमो गुण तीन गुण ये रहेगा ही रहेगा। ये तीन गुण रहने से भी काल कर्म स्वभाव आदि प्रभाव के द्वारा महत्त्व में सतो और रजोगुण का प्राधान्य है। क्यों, कारण क्या है, इसका बारे में बताएंगे। जब भी ये महत्त्व में सतो रजो तमगुण का तीन गुण रहना ये रहेगा ही, फिर भी तीन गुण रहने से भी एक काल कर्म स्वभाव आदि प्रभाव के द्वारा महत्त्व में सतो और रजोगुण का प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर प्राधान्य है। क्योंकि सतोगुण में ज्ञान शक्ति और रजो के द्वारा क्रिया शक्ति, सो सुतरांग महत्त्व का माने है क्रिया ज्ञान शक्तिमय एक उपादान विशेष, एक पॉसिबिलिटी संभावना। और महत्त्वस्तु विकुर्वनाद रजो सत्वोपबिंहिता, भागवत में ये प्रमाण है। ये महत्त्व जरूरूपा त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उत्पन्न होने से भी ये अभी जो स्थिति है ये सम्यक रूप में जड़ो जैसे लगता नहीं। क्यों, चिन्मय जीव राशि इसका अंदर में आ गया, इसीलिए सम्यक जड़ रूप में प्रतीयमान होता नहीं। क्योंकि इसका संग पुरुष का कर्तृत्व एक्टिविटी भी है, चेतनमय शक्ति मिश्रित है। सो महत्त्व क्या चीज है, ये महत्त्व वन काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस क्रिएशन। महत्त्व का और खुलासा है, महत्त्व है चित और अचित मिश्रो एक वस्तु एक संभावना। चित अचित मिश्रो, अचित जड़ जगत, अचित क्यों, ये जीव राशि दिया गया प्रकृति का अंदर में। सो अभी बात ये है जो अहंकार तत्व का निर्माण कैसे हुआ, ये अहंकार तत्व का बारे में अभी चर्चा हो। क्योंकि अहंकार तत्व नहीं होने से कोई सृष्टि का कोई संभावना नहीं है। अहंकार तत्व का उद्भव काल कर्मादि प्रभाव के द्वारा विकार प्राप्त हो, ये रजो सत्व प्रधान महत्त्व ये ध्यान दे। अहंकार का तत्व का उद्भव कि अहंकार नहीं होने से सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगा, सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगा। जो महंकार अहंकार तत्व का उद्भव है, ये काल कर्मादि का प्रभाव के द्वारा विकार प्राप्त हो, ये रजो सत्व प्रधान महत्त्व से और एक तत्व का उद्भव होता है। ये काल कर्मादि प्रभाव के द्वारा विकार प्राप्त हो, ये रजो सत्व प्रधान ये जो महत्त्व है, ये महत्त्व से और एक तत्व का प्रकाश होता है, उद्भव होता है। इसके द्वारा अर्थात ये जो और एक तत्व का निर्माण हुआ, उद्भव हुआ, उत्पन्न हुआ, ये उद्भव हुआ प्रकाश हुआ, इसका अंदर में तमोगुण का प्राधान्य है। काल कर्मादि प्रभाव के द्वारा विकार प्राप्त हो, रजो सत्व प्रधान ये जो महत्त्व है, इनमें से और एक तत्व का उद्भावन होता है। और ये तत्व का अंदर में तमोगुण का प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर है, अर्थात सतोरजो है लेकिन कम है, तमोगुण का ही प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर ज्यादा है। ये तत्व का नाम है अहंकार तत्व, ये तत्व का नाम है अहंकार तत्व। ये अहंकार तत्व द्रव्यो ज्ञानात्मक, ये अहंकार तत्व जो है, ये तत्व का नाम है अहंकार तत्व।
और ये है द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, ध्यान दे, ये जो अहंकार तत्व है ये द्रव्य ज्ञान और क्रियात्मक क्रियात्मक। सो महत्तत्वस्तु विकरोवनात् रजो सत्तोप बृंहितात्। भगवत जी महापरण बताया महत्तत्वस्तु विकरोवनात् रजो सत्तोप बृंहितात् तमह प्रधानस्तु अभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक सो अहंकार इति प्रोक्तः। ये भागवत जी महापुराण बताए। तो अभी विचार बनता है ये सात्विक अहंकार राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, ध्यान दे, ये अहं तत्व विकार प्राप्त होकर, ध्यान दे, ये जो अहंकार तत्व का निर्माण है प्रकाशित हुए उद्भव हुआ, ये अहंकार तत्व आगे चलकर विकार प्राप्त होकर तीन रूप से अभिव्यक्त किया अपने को। ये अहंकार तत्व तीन रूप से डिवीजन हुआ, एक है सात्विक अहंकार, एक है राजस अहंकार, एक है तामस अहंकार, एक है ये जो अहंकार तत्व का निर्माण है, ये अहंकार तत्व से एक सात्विक अहंकार का डिवीजन, एक है राजस अहंकार का डिवीजन और एक तामस अहंकार का डिवीजन। अब ये तामस अहंकार जो है पहले ही बता चुका द्रव्य, पहले ही बता चुका ये द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। ये तामस अहंकार क्या है न द्रव्य शक्ति युक्त हो, द्रव्य शक्ति युक्त मतलब इनमें से प्रकृति निर्माण का इंग्रेडिएंट मसला, तामस ये अहंकार से द्रव्य शक्ति युक्त हो मतलब ये प्रकृति निर्माण के लिए जो इंग्रेडिएंट मसला चाहिए अर्थात पंचभूत खिति रपो तेज मरुद्बम, ये ये जो तामस अहंकार है इनमें से पंचभौतिक जो विषय है, पंचभौतिक जो प्रकृति का एलिमेंट है, ये द्रव्य शक्ति युक्त हो इसका अंदर से ये सब निकल सकता है। राजस अहंकार क्या है, ये क्रिया विशिष्ट है। तामस अहंकार द्रव्य शक्ति युक्त हो मतलब इंग्रेडिएंट मसला सप्लाई करेंगे पंचभौतिक जो आकाश पंचो महाभूत आदि सब कुछ द्रव्य का उत्पत्ति के समर्थ रखती है, ये तामस अहंकार। राजस अहंकार क्या है न क्रिया शक्ति विशिष्ट हो, इनमें से इंद्रियों का जो समर्थों का उत्पादन हो सकता है, इनमें से इंद्रियां, ये जो राजस अहंकार, ये राजस अहंकार क्रिया शक्ति विशिष्ट हो अर्थात क्रिया व इंद्रिय समूह उत्पादन, इंद्रिय समूह का उत्पादन में सामर्थ्य है। आई बात समझ में, मतलब तामस अहंकार से खिति अपो तेज मरुद्बम शब्द स्पर्श रूप रस गंधो, और राजस अहंकार से श्री इंद्रियों का क्षमता जो पंच कर्मेंद्रियों पंच ज्ञानेन्द्रियों का उत्पादन हो सकता सामर्थ्य है, एबिलिटी है, और सात्विक अहंकार से ज्ञान शक्ति विशिष्ट हो अर्थात ज्ञान समूह का स्वरूप देवता देवता ये सब देव देवता उत्पन्न होता है। ये तमाम एक एक देवता एक एक इंद्रियों का आधिकारिक देवता है, इस बारे में हम पहले बाद में चर्चा करेंगे। अब ये चर्चा करना जरूरी है कि इस ये जो हमने अभी तक चर्चा किया इसका तात्पर्य ये है जो साम्य अवस्था पन्नो अर्थात प्रकृति का जो बैलेंसिंग अवस्था, इसका नाम है प्रधान प्रकृति, और इसके बाद भगवान के द्वारा प्रेरित, भगवान के द्वारा प्रेरित होकर कालादि प्रभाव के द्वारा जब प्रकृति परिणाम प्राप्त होते हैं होती हैं तो तब एक अंश में सतगुण में, एक अंश में रजगुण में, एक अंश में तमगुण में प्रधान प्राधान्यो अर्थात प्राधान्यो अर्थात इसका एबिलिटी जन्म होता है। आई बात समझ में, साम्य अवस्थापन्नो गुणोत्रय जो प्रकृति का अंदर में है सतोरजतम का बैलेंसिंग अवस्था, पहले भी मैं कह चुका जे इसका नाम है प्रधान, ये प्रकृति का दूसरा नाम है प्रधान।
जब ये कालादि के द्वारा भगवान के प्रेरणा से कालादि भगवान का प्रेरणा से कालादि काल का प्रभाव के द्वारा जब प्रकृति परिणाम प्राप्त होने के लिए महत्त्व से आगे बढ़ता है, इस समय ग्रेजुअली मैंने इसका डिस्कशन किए, तार एक अंश सत्वगुण में, एक अंश रजगुण में, एक अंश तमोगुण का प्राधान्य, प्राधान्य माने इसका इसका प्रेडोमिनेटिंग फैक्टर रहती है। जे अंशों में सत्वगुण का प्राधान्य जन्म होता है, जिस अंशों में सत्वगुण का प्राधान्य जन्म लेता है, इसका नाम महत्त्व। ये भी दूसरा किस्म का व्याख्या। जिस अंशों में रजोगुण का प्राधान्य पैदा होता है, दिखाई पड़ता है, ये भी महत्त्व है, लेकिन ये महत्त्व का एक प्रकार का भेद, ये भी महत्त्व का एक प्रकार का भेद, इसका नाम है सूत्रोतत्व। और जिस अंशों में तमोगुण का प्राधान्य जन्म लेता है, ये अहंकार तत्व है, तमोगुण का, ये अहंकार तत्व का बारे में मैंने चर्चा अभी किया है। इसके द्वारा आकाश आदि निर्माण ये सब होता है सब। अभी ईश्वर के द्वारा काल कर्मों स्वभाव के द्वारा ये सब आगे आगे चलता है। पंच तन्मात्रों पंच महाभूत, इसका निर्माण तामस अहंकार से कैसे हमने बताए, ये सब चर्चा हमने किए। अब एनालिटिकल चर्चा करने जाए तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से इस विषय में सुनना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आदमी का जो विचार है ये बड़ा चंचल है हृदय। इस चंचल हृदय में ये सब विषय में चर्चा करना या तो इस विषय का अनुभव करना वाकई ही असंभव है। फिर भी ये सब समझना असंभव होते हुए भी असंभव नहीं है। कैसे असंभव है? ये सृष्टि का प्रसंग वर्णन प्रसंग में भागवत जी महापुराण में आता है, जो देवर्षि नारद ब्रह्मा जी को प्रश्न किए। श्री नारद उवाच, देव देवो नमस्ते अस्तु भूत भावन पूर्वज तद बिजानी ही तज ज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम। ब्रह्मा जी को देवर्षि नारद जी भक्ति रूप प्रार्थना किए, बोले हे देव देव, हे भूत भावन, आप सबसे पहले उत्पन्न हुए सो आपको नमस्कार है। आज तक ये उपलब्धि में नहीं आए कि आपका भी कोई मालिक है, इसका बारे में खुलासा किया ब्रह्मा जी, जिनके माये के द्वारा प्रभावित होकर जीव समझते हैं मेरे को मालिक, इस तत्व को मैं दंडवत करता हूं। ब्रह्मा जी को देव से नारद जी ने प्रार्थना की कि ऐसे आप उपदेश करें कि हमारा आत्म तत्व का उपलब्धि हो जाए, ऐसे हमको उपदेश करे, कृपा करे, इस विश्व कैसे प्रकाशित हुए, आप कैसे आए, इस बारे में आप कृपा करके हमको उपदेश कीजिए, किनको किसको आश्रय करके ये तमाम दुनिया सृष्टि विराजमान है, किनके अधीन किसके अधीन है, और किसमें ये विलीन हो जाते हैं, इसका स्वरूप आप ये सब तत्व मेरे को कृपा करके आप बताने का प्रयत्न करें, ये आपका चरणों में मेरा विनती है। जब ऐसा करके नारद जी देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रश्न किए, जो आपको ब्रह्मा जी को प्रश्न किए, आपको किसने विज्ञान दान किए, आपका आश्रय कौन है, किनके वशवर्ती होकर सृष्टि कर्मों में आप लगे हुए हैं, आपका स्वरूप क्या है, हमको तो ऐसा लगा कि आप एकाकी, हम आप अकेला ही ये निजो शक्ति के द्वारा इस सृष्टि निर्माण की है, लेकिन आप बताते हो
आप बताते हो, ये आप नहीं। जिनके माया के द्वारा प्रभावित होकर तमाम दुनिया ये सोचता है कि मैं मालिक हूं, इस तत्व को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। अब आगे चल के बता रहे हैं कि उर्ण नाभि मकरी स्पाइडर, जानते हो ना मकरी, उर्ण नाभ जैसे अपने आप को आश्रय करके अनायास ये तंतु नेटवर्क निर्माण करता है, और इसके बाद काम खत्म होने के बाद ये तमाम जो नेटवर्क है आज रचना किए, ये जो उर्ण नाभो माकरी जो नेटवर्क किए इसको अंदर में घुसा लेते हैं। ये अपना लाला के द्वारा, अपना मुंह का अंदर में जो एक किस्म का पिगमेंट निकलता है इसके द्वारा, इसीलिए सृष्टि के रहस्यों के बारे में ये जानकारी जरूरी है। जस्सो जेनो जतो यस्सो जस्मै यद यद यथा यदा, इस बारे में बताया गया। अर्थात जो व्याकरण पाठ किए हैं, व्याकरण पढ़े हैं, वो जानते हैं ये कारक विभक्ति में किसके द्वारा क्यों कहां से किस लिए हैं कब, ये सारे उत्तर है, सारे एक भगवान का ही महिमा है, इसका अंदर में किसी का अधिकार नहीं है। जत्रो जेनो जतो यस्सो यस्मै यद यद यथा यदा, सब भगवान का ही, सारे केसेंडिंग। जैसे श्रीमन महाप्रभु जी ने व्याकरण पढ़ाने का टाइम में अंतिम समय में धातु शब्द रूप सारे कृष्ण का व्याख्या किए, और जो छात्र लोग हैं जो शिष्य लोग हैं वो तो हैरान हो गए, अरे गुरु जी पहले ऐसा नहीं व्याख्या करते थे, अब सारे धातु रूप शब्द रूप सारे व्याख्या करे। सब बोलता है देखो कृष्ण, तमाम कृष्ण। अब नारद जी महाराज जी ने सोचा, नारद जी महाराज जी ने बताया आप छोड़कर और एक ईश्वर है ऐसा लगता है, समस्त अनंत ब्रह्मांडों का कोई मालिक जरूर है ऐसा लगता है। ऐसा करके अब व्याख्या करने के लिए नारद जी महाराज प्रार्थना किए, किसको प्रार्थना किए, इसका बारे में और एक बात बताना जरूरी है। ब्रह्मा जी ने दंडवत किए किसको, ब्रह्मा जी ने दंडवत किए वो भगवान को, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्मना जन्मयाया दुर्जयाया मां वदन्ति जगद्गुरुम, क्या तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्मयाया दुर्जयाया मां वदन्ति जगद्गुरुम, जिनके माया के द्वारा प्रभावित होकर जगत का तमाम जीव मेरे को मालिक समझता है, और विलज्जमानया जस्योस्थातुम इच्छा पथे अमुआ विमोहित्वा विकथन्ते ममाहमीति दुर्धिय, क्या बताए, विलज्जमानया जस्योस्थातुम शरम से, क्या जिनके दृष्टि पर में जिनके दृष्टि पथ में जिनके दृष्टि का पथ में माया देवी शर्म के मारे रहना नहीं चाहती है, जिनके दृष्टि पथ के बाहर रहती है माया देवी पीछे, आई बात समझ में, जिनके दृष्टि पथ में माया देवी रहने के लिए लज्जित हो जाती है, किंतु इसका नाम है भगवान, किंतु जो लोग दुर्मति हैं माया के द्वारा मोहित है, ये लोग मैं मेरा ऐसा बोल के आत्मश्लाघा आत्म प्रशंसा करते, मैं हूं मेरा है ऐसा करके शर्म नहीं है,
ये अपने को बेशरम है, ये दुर्मति, ये माया के द्वारा मोहित होकर मैं मेरा ऐसा करके अहंकार प्रकाशित करते हैं। और जे भगवान के कृपा से द्रव्यम कर्मो च कालश्चो स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परब्रह्म न च अन्न अर्थो अस्ति तत्ततः। ये द्रव्य वस्तुतः ये द्रव्य कर्म किंबा काल और जीव स्वभाव जो कुछ भी है सब वासुदेव परात्पर अखिलेश्वर भगवान से कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई नहीं है, सब बेसहारा है। भगवान के कृपा के अलावा सारे बेसहारा है। भगवान निर्गुण है, भगवान निर्गुण है, भगवान निर्गुण है। इच्छा करके एक गुणों इच्छा करके गुणावेश अवतार पकड़ के वैसे भी ये चर्चा किया अभी आधा घंटा पहले। इच्छा करके भगवान तीन रूप पकड़ करके सृष्टि स्थिति प्रलय का, निर्गुण होने से भी भगवान इच्छा करके सृष्टि स्थिति प्रलय का निमित्त माया के द्वारा इच्छा करके सतो रजो तमगुण तीन प्रधान ये जो रूप धारण करते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। द्रव्यो ज्ञान क्रिया अर्थात पंचभूत इन और देवता और इंद्रियों के कारण रूप ये सारे ये तीन गुण माया अतीत नित्य मुक्त पुरुष को कार्यकरण कर्तृत्व विषय में लिप्त कर दिया। अर्थात जीवात्मा का बारे में बताया, ये भी पुरुष है, जीवात्मा मुक्त है, जीवात्मा चिन्मय है, जीवात्मा ज्ञानमय है, हैं फिर भी फंस गया, कैसे फंसा है इसका बारे में। भगवान मायावश है, माया को अपना बस में रखे हैं, और जीव माया माया को बस में रखे है, भगवान मायाधीश और जीव मायावश है। माया का अधीश्वर भगवान तीन रूप धारण करके विविध रूप, तीन रूप नहीं, माया का अधीश्वर जो भगवान है, माया का जो अधीश्वर भगवान है, ये भगवान अलग अलग स्वरूप धारण करके प्रकाशित होने के लिए आत्मो माया के द्वारा जदृश क्रमे प्राप्त काल अदृष्ट प्रकृति को आश्रय किया है। जो उपनिषद में आता है एको अहम बहुश्याम, माया का अधीश्वर भगवान इच्छा करके विविध रूप अलग अलग स्वरूप धारण करने का इच्छा लेकर एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं बहु होना चाहता हूं, इच्छा करके आत्म माया के द्वारा इच्छा करके प्राप्त काल अदृष्टो और प्रकृति को आश्रय करके सृष्टि को रचना की, चलाए चलाने का कोशिश की। भगवान एक काल में अधिष्ठित होने से, भगवान जो काल में जब अधिष्ठित होने से, भगवान स्वयं भगवान काल में अधिष्ठित होने से काल से गुणों का विभाग जन्म लेता है, प्रकृति का खोब होता है विभाग जन्म में, सतो रजो तमोगुण का समता बैलेंसिंग अवस्था समाप्त हो जाता है, क्षोभित होता है प्रकृति। और इसमें ही सृष्टि का जो उन्मुख था, सृष्टि का जो पॉसिबिलिटी जिसको महत्व तो बताया, सृष्टि का उन्मुख भाव जागृत होती है। भगवान के अधिष्ठान के कारण प्रकृति तब एक एक करके रूपांतर आनयन करते करती है, और जीव का अदृष्ट महत्त्व का भी जन्म लेता है, और रजो और सतोगुण के द्वारा वर्धित होकर महत्त्व विकार प्राप्त होके अभी भी बताया द्रव्य ज्ञान और क्रियाशक्ति स्वरूप
तम प्रधान एक तत्व का प्रकाश होता है अहंकार तत्व। ये अहंकार तत्व भी तीन किस्म का हमने बता दिया पहले, सात्विक अहंकार से देवता लोग, राजसिक अहंकार से इंद्रिय समूह एवं तामसिक अहंकार से पंचभूत पंचतन्मात्र आदि। अभी विचार ये है, ये तामस भूतादि विकार प्राप्त होने से ये तामसिक अहंकार, ये तामसिक अहंकार विकार प्राप्त होने से पहले आकाश उत्पन्न हो, शब्दों आकाश का सूक्ष्म रूप है। ध्यान दे, ये तामस अहंकार का विकार होने के बाद आकाश पैदा होता है। ये आकाश का सूक्ष्म गुण है, शब्द है, वो असाधारण धर्म व गुण स्वरूप। आकाश जब विकृत होते हैं, आकाश विकार प्राप्त होता है, तामस भूतादि विकार प्राप्त होते होके पहले आकाश का उत्पादन, आकाश शब्दों आकाश का सूक्ष्म गुणावली है, गुण है, गुणावली नहीं गुण है, शब्दों आकाश का गुण है। आकाश विकार प्राप्त होने से आकाश से वायु उत्पन्न होता है, स्पर्शो वायु का गुण है। और कॉज एंड इफेक्ट विचार करने जाए तो कॉज जो है कारण, इफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट। सो आकाश का अंदर आकाश जब विकार प्राप्त होके वायु उत्पन्न हुए, वायु का गुण है स्पर्श गुण, तो कारण होने के कारण, कारण होने के कारण, ये तो मूल कारण है। क्या कारण है? आकाश का साथ, आकाश कारण है, इसीलिए आकाश के अंदर में अगर जो गुण है, जो शब्द है, आकाश के अंदर में शब्द है, ये इसी का अंदर में भी रहेगा, वायु का अंदर में, वायु उत्पत्ति। और वायु, वायु आकाश विकृत होने से आकाश के अंदर में वायु उत्पन्न होता है, वायु का गुण है स्पर्श गुण। सो कारण होने के नाते आकाश का संबंध, आकाश का साथ संबंध, आकाश का साथ संबंध, ओरिजिनल संबंध रहने का कारण वायु, वायु आकाश का जो शब्द है ये भी, वायु से ये जो वायु है कारण होने के नाते आकाश का साथ संबंध रहने के कारण वायु के अंदर में आकाश का जो गुण है शब्दों ये भी रहता है। ध्यान दे, मतलब वायु का अंदर में आकाश का शब्द में रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल इससे आए हैं, इसलिए वायु से, वायु के द्वारा क्या होता है, शरीर धारण, इंद्रियो मन और शरीर का पटुता, एबिलिटी, एक्टिविटी पैदा होता है। और अदृष्ट कर्मों और स्वभाव के कारण, अदृष्ट कर्मों और स्वभाव के कारण वायु अगर विकृत हो जाए तो तेज का पैदा होता है। तेज में रूप नामक गुण स्वाभाविक रहता है। सो कारण के कारण, ये इसके कारण होने के नाते ये जो तेज है, तेज में आकाश का धर्म रहेगा, आकाश का धर्म रहेगा, जरूर रहेगा। और स्पर्शो आकाश का धर्म, स्पर्शो भी रहेगा, अनुभूत तो होता है। तेज का विकार होने से जल सृष्टि होता है, रस जल का स्वाभाविक गुण है, और कार जो कारण कॉज एंड इफेक्ट संबंध होने के कारण जल में वायु का धर्म स्पर्शो, तेज का धर्म रूप, आकाश का धर्म शब्दों, ये सारे रहेगा। जल विकृत होके पृथ्वी अर्थात मिट्टी उत्पन्न होता है, खेती है पृथ्वी। और गंधो, एक गंधो पृथ्वी का स्वाभाविक धर्म है, जो पृथ्वी, पृथ्वी में जल तेज, पृथ्वी का अंदर में जल तेज वायु आकाश क्या कारणता अर्थात संबंध वर्तमान रह के, गंधो पृथ्वी का स्वाभाविक धर्म है। ये पृथ्वी में जल
तेज वायु आकाश ये कारण था प्रीवियस कॉज जैसे आए हुए हैं तालुकात है इस संबंध के कारण संबंधों के कारण वर्तमान रहने से इसका अंदर में शब्दों स्पर्शों रूप रस ये सारे रहेगा क्योंकि पहले पहले जैसे चैतन्य चैतन्य में बताए आकाशेर गुण जनो परपर भूते ध्यान दे आकाशेर गुण जनो परपर आकाश का गुण है शब्दों है वायु का गुण है स्पर्शो तो वायु का अंदर में स्पर्शो और शब्द दूर रहेगा ये कारण है ना कॉज है ना आगे से आया है आकाश का साथ संबंध रहने के कारण ऐसा होता है ऐसे ही धीरे धीरे विचार करे ध्यान से आकाशेर गुण जन परपर भूते आकाश का गुण जैसे अगले जो भूत भूत है खिति अपो तेज मरुद बोम ये जो आकाश बोम बोम मैंने आकाश आकाश का गुण पैक आकाश का गुण स्वाभाविक रहेगा बाद में शब्द स्पर्श ये जो है आकाशेर गुण आकाश आकाश मतलब स्पेस आकाश का गुण रहेगा आकाश का गुण शब्द ये अगले वाला जो है हैं वायु इसका अंदर में रहेगा दोनों रहेगा आगे चलकर जो है तेज उसका अंदर में पहले का गुणावली ये रहे अपना गुणावली तो है ही है ऐसा करके आकाशेर गुंजनो परपर भूते आई बात समय में आकाश विकृत होने से वायु होता है वायु का स्पर्श गुण और आकाश पहले हमने बताया कि आकाश का गुण शब्द है तो वायु का अंदर में स्पर्श गुण और शब्द रहेगा आगे चलकर जो आर सब विचार है ऐसे ही होगा आकाशेर गुंजनो परपर भूते तो ऐसा है विचार जो जल विकृति होने से पृथ्वी का उन्मान पृथ्वी गंधो पृथ्वी का स्वाभाविक धर्म है सो पृथ्वी का अंदर में पृथ्वी के तत्व का अंदर में जल तेज वायु आकाश ये कारण था कॉज रहने से इसका अंदर में शब्द स्पर्श रूप रस सब रहेगा और गंधो तो अपना है ही है समान रहेगा अभी ये विचार बनता है सात्विक अहंकार तत्व का विकार से ध्यान दे अभी सात्विक अहंकार तत्व का विकास से मन एवं चंद्रो दिक वायु सूर्यो वरुण अश्विनी कुमार द्वय अग्नि इंद्रो उपेंद्रो मित्रो प्रजापति ये सारे इंद्रिय अधिष्ठाती देवता उत्पन्न होता है सात्विक अहंकार ज्ञानमय ये सात्विक अहंकार का विकार होने से मन और सारे इंद्रियों का आधिकारिक देवता सारे जन्म लेता है हर इंद्रियों का अपना अपना आधिकारिक देवता है आप मानो और ना मानो शास्त्रों में प्रमाण है जब भी अगर आधिकारिक देवता नहीं है तो मुर्दा मर जाने से कोई इंद्रियों काम नहीं क्यों नहीं करता मर जाने से कोई भी इंद्रियों कोई काम नहीं करता और जिंदा रहने से हाथ हाथों का काम करता है पंचो कर्मेंद्रियो पंचो ज्ञानेन्द्रियो अपना अपना हिसाब से काम करते रहते। तो अभी राजस अहंकार के विकार के द्वारा ज्ञान शक्ति बुद्धि क्रिया शक्ति प्राण कर्णो त्वक घ्राण इंद्रियो तमाम पंचो कर्मेंद्रियो ज्ञानेन्द्रियो कर्णो त्वक घ्राण चक्षु जिह्वा वाक पानी वायु पाद अमेड्रो जननेन्द्रियो जन्मेन्द्रियो ये सब ज्ञानेन्द्रियो कर्मेन्द्रियो का प्रकाश हो जाता है अभी ये सब भूत और इंद्रियो मन गुण परस्पर उत्पन्न तो हुआ है ध्यान दे ये सब जो अभी आगे चलकर धीरे धीरे विचार करें ये सब जो सृष्टि का प्रोग्रेस सृष्टि का प्रगति का बारे में चर्चा की अभी ये प्रश्न आता है ये सब जो भूतोग्राम का उत्पत्ति पंचभूत है पंचो कर्मेंद्रियो पंचो ज्ञानेन्द्रियो इंद्रियों का आधिकारिक देवता है और उसके बाद पंचभूत है और पंचो तन्मात्रो सारे पैदा हुआ लेकिन फिर भी ये
अकेला अपना भरोसा से कोई काम नहीं कर सकता। आई बात समझ में? ये सकल भूत इंद्रियों मन गुण ये सारे पैदा हुआ है, लेकिन दे कैन नॉट एडजस्ट विथ देमसेल्फ। अपने आप में एडजस्ट करके शरीर ये प्रकृति का निर्माण सृष्टि का आगे बढ़ाने में इन लोगों का अंदर शक्ति नहीं। आई बात समझ में? ये सब जो भूतोग्राम है और पंच कर्मेंद्रियो पंच ज्ञानेन्द्रियो फिर उसका बाद पंचो तन्मात्र पंचो महाभूत खितियो मन बुद्धि चित्त अंग सारे पैदा हुआ, इंद्रियो ग्राम देवता सकल मन गुण सारे पैदा हुआ, लेकिन फिर भी शरीर का निर्माण संभव नहीं। दे कैन नॉट कोऑपरेट विद देमसेल्फ। एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन जो हारमोनी है इसके द्वारा सृष्टि में आगे नहीं बढ़ रहा है। सब है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसी के कारण सारे मिलकर देवता लोग भगवान का आराधना किए, प्रसन्न करने का प्रयत्न की, और करने के साथ साथ भगवान ने हंसी उड़ाया और ब्रह्मांड में भगवान अनुप्रविष्ट होकर धकाधक सृष्टि को आगे बढ़ाने का व्यवस्था कर दिया। जैसे एक फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री का अंदर में रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री का पूरा बाउंड्री है, ऑफिस डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, फोरमैन है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, सब कुछ, मशीनरी है, सब कुछ, क्या कुछ नहीं है, तमाम व्यवस्था भरपूर है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। किसी ने आके बोला हमारे काम नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? सब है, बोले सब है लेकिन करंट नहीं है, बिजली नहीं है। बिजली को बाहरी दृष्टि में दिखाई नहीं पड़ता। बिजली वन काइंड ऑफ पावर, तरी शक्ति, ऐसा माफी, तमाम चीज होने का बावजूद सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा है। तमाम चीजें होने का बावजूद सृष्टि नहीं आगे बढ़ रहा है। इसके कारण क्या है? सारे प्रार्थना किया भगवान को, भगवान क्या की, एक एक ब्रह्मांड में सहस्र वर्षों पर्यंत पानी में निमज्जित रहते हैं। इसके बाद परमात्मा अदृष्टो कर्मो और प्रकृति का अवलंबन करके जब भगवान ये सृष्टि का अंदर में अनुप्रविष्ट हो गए, अनुप्रविष्ट होने का साथ साथ धकाधक सृष्टि चलने लगे। भगवान जब अनुप्रविष्ट हो गए तो धकाधक सृष्टि आगे बढ़ने लगे। कमाल की बात है, भगवान अनुप्रविष्ट होने का साथ साथ हारमोनी आ गया। ये हारमोनी, एक ऐसा हारमोनी हो गया, तमाम सृष्टि आगे बढ़ रहे हैं। ये जो तमाम सृष्टि होने का बावजूद फिर से प्रकृति का सृष्टि नहीं हो रहा है, इसका कारण मैंने व्याख्या की, क्यों नहीं हो रहा है। इसके बाद ध्यान दे, बड़ा आश्चर्य का चीज है, ये कारणों में साई महाविष्णु ये जो इखन करता पीछे जा रहा है इच्छा करके, बात को खुलासा करने के लिए भगवान कर्णंडव साई महाविष्णु का इखन जो है, ये ब्रह्म संहिता में दो चार दिन पहले सृष्टि तत्वों में शंकर भगवान का क्या योगदान है, इसी तत्वों में ब्रह्म संहिता से एकदम चर्चा की, खुलासा की। ये महाविष्णु जो इखन करता, इखन करने का साथ साथ मैंने बताया तमाम जीव राशि प्रकृति का गर्भ में बिरजो आधान का मापी संचारित हो गए। अब ये जो लाइट ऑफ बीम महाविष्णु प्रकृति का ओर देखने का साथ साथ जो एक वन ब्रांच ऑफ लाइट, ये जो लाइट आ रहा है रे, ये द्वादश लिंगों का नाम पे पूरा भारत में प्रसिद्ध है। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग का रूप में प्रसिद्ध है। ये जो द्वादश लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग का रूप में प्रसिद्ध है, कैसे महामाया दुर्गा और महाविष्णु जगतकर्ता मायाया जो सृजति अदह
तस्यावतार एव अयम अद्वैत आचार्य विश्वरः। ये जो अद्वैत आचार्य महाविष्णु का सा अभिन्न है, महाविष्णु से भिन्न नहीं है, फिर भी सदाशिव, ये सदाशिव का जो अंश है कैलाशपति, या अपना काम संभालते हैं, अपना काम संभालते हैं धीरे धीरे। तो ये जो काम संभालते हैं, ये जो विष्णु, ये जो शंभु, शंभु तत्व का योगदान, इसका बारे में मैं चर्चा कर चुके पहले। भागवत जी महापुराण में आता है सृष्टि रहस्य में, जो अनुप्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तंगनम भिन्नम संयोजयामासो सुप्तम कर्म प्रबोधयन। क्या बताया? जो अनुप्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तंगनम भिन्नम संयोजयामासो सुप्तम कर्म प्रबोधयन। जो कर्म आगे नहीं बढ़ रहा था, अभी भगवान जो अनुप्रविष्ट होने का बाद, जो अनुप्रविष्ट भगवान चेष्टा रूपेण इंस्पिरेशन, इसका बाद तमाम चीजों का अंदर में हारमोनी आ गया और धकाधक मिलाकर सृष्टि आगे बढ़ रहा है। तात्पर्य ये है, ये तत्व समूह, तमाम तत्व समूह रहने का बावजूद संहनन शक्ति, मतलब ये मिलके हारमोनी ये नहीं हो पा रहा था, ये हारमोनी नहीं बन पा रहा था। अभी ये हो गया, अभी ये हो गया भगवान प्रविष्ट होके यथायथ रूप में परिणति प्राप्त तत्व समूह एक दूसरे का साथ सम्मिलित होके ब्रह्मांड का सृष्टि होता है। अब जब सम्मिलित नहीं हो तो कैसे सृष्टि बढ़े? इसीलिए बताया, जो अनुप्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तंगनम भिन्नम संयोजयामासो सुप्तम कर्म प्रबोधयन। आई बात समझ में? यथायथ एप्रोप्रिएटली परिणति प्राप्त तत्व समूह एक दूसरे का साथ सम्मिलित होकर ब्रह्मांड निर्माण करने में असमर्थ थे, लेकिन बाद में ये जो विराट देह का सृष्टि का चर्चा अभी हमने किए हैं, ये कैसे कैसे आप एक दूसरे का सम्मिलित होके सृष्टि धकाधक चलने लगे। ये प्रत्येक ब्रह्मांड का एक दूसरे का साथ फर्क है, सात आवरण है कवरिंग, एक एक ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मांड का बाहरे पर सात आवरण है। पहला आवरण है जल, उसका आवरण है तेज, इसका आवरण, इसका बाद वायु मतलब मरुत, इसके बाद आकाश, इसके बाद अहंकार, इसके बाद महातत्व, इसके बाद अव्यक्त प्रकृति। ये समस्त आवरण एक दूसरे का था 10-10 गुण वर्धित है। एक आवरण जो लेयर है, एक आवरण के साथ दूसरे का गैपिंग 10-10 गुण करके वर्धित है। अब ये अंड से हिरण्यगर्भो विराट पुरुष का आविर्भाव हुआ। ये अंड जो है सहस्र वत्सर पानी में अवस्थित है, चिन्मय जल में। इसके बाद काल कर्मो मतलब अदृष्ट जीव एवं स्वभाव अधिष्ठित होके हिरण्यगर्भ अंतर्यामी पुरुष इसमें प्रवेश करके जीव समष्टि का अभिव्यंजक जो चेतना अचेतन अंडों को चेतन किया, नहीं तो जीव राशि कहां जाए। ये अंडों का अंदर में प्रविष्ट होने से भी ये सर्वव्यापक है, देखने में अंडों का अंदर में प्रविष्ट है भागवत जी महापुराण बड़ा लिखा है, लेकिन फिर भी ये पुरुष सर्वव्यापी अंडों का अंदर में प्रविष्ट होने से भी बाहर में भी इसका है, अंतर बाहिर हर जगह। ये अंडों को भेद करके पुरुष का प्रकाशित हुए, जिसका बारे में सहस्र मस्तक, सहस्र शीर्ष, सहस्र बदन, सहस्र चक्षु, सहस्र बाहु, सहस्र उरु चरण, ये सब
जो हमारा ये पुरुष सूक्त मंत्रों में आता है ना, ओम ससर्षा पुरुषः, ये जो है इसका अंदर में सब आता है। अभी ये चतुर्दश भुवन, ये पहले बताया गर्भद गोसाई महाविष्णु का नाभि नाल से जो पद्म का उत्पादन उत्पन्न हुए, ये पद्म का अंदर में ब्रह्मा अपने को आविष्कार किए और गर्भद गोसाई का विराट रूप कल्पना किया गया। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की ये द्वितीय पुरुष अवतार गर्भद गोसाई रूप में माना गया। ब्रह्म संगीता में और एक श्लोक आता है, इसका चर्चा भी जरूरी है। जशो प्रभा प्रभावतो जगदंड कोटि कोटिशु अशेषो वसुदादि विभूति विभिन्न विभूति भिन्नम जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या बताया, जशो प्रभा प्रभावतो जगदंड कोटि कोटिशु अशेषो वसुदादि विभूति भिन्नम जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड में वसुधादि पृथ्वी आदि विभूति के द्वारा जो महापुरुष भेद प्राप्त होके विराजमान है, से पूर्ण पुरुष निरवच्छिन्न अशेष भूत ब्रह्म प्रभावशाली जार अंग प्रभा से आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूं। इसी जगह अनंत कोटि ब्रह्मांड अस्तित्व, इसी जगह ब्रह्म संहिता में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अस्तित्व एग्जिस्टेंस साबित हो जाता है। प्रथम पुरुष कर्णन वसाई महाविष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि करके हर ब्रह्मांड में, पहले हम बता चुके, उपस्थित हो जाते हैं। सृष्टि का बड़ा आश्चर्यमय रहस्य है, ये जितना भी चर्चा करो लगता है कुछ नहीं हुआ। अब अविद्या का सृष्टि कैसे है, क्यों हुआ, क्या दरकार था अविद्या का सृष्टि, पहले ये बताएं। ये चतुर्दश भुवन जो है, ये चतुर्दश ब्रह्मांड में अंगीभूत हो, चतुर्दश भुवन, ये जो ब्रह्मा जिस पद्म फूल में आविष्कार किया, इसका जो स्टेम है, इसमें भूर भुव स्व महो यनो तपो सत्व ये सब ऊपर का है, इसके बाद पाताल रसातल महातल तलातल सुतल वितल अतल ये सप्तल नीचे में, और भूर भुव हैं, और भूर लोक धरणी भुवर लोक स्वर लोक महर लोक जनलोक तपलोक सत्यलोक सारे ऊपर है। ये महत्त्व से लेकर चतुर्दश भवनात्मक ब्रह्मांडों तक ये जो सृष्टि है, इसको सर्गो बोला जाता है। और कारुणानवसई महाविष्णु से ये सब सृष्टि आए। फिर इसके बाद ब्रह्मा जब आपने को आविष्कार किए, जब मैं कौन हूं, किस लिए आए हूं, आया है, इसके बाद ब्रह्मा का जो विसर्ग है, ये सारे अभी आ रहा है। अभी अविद्या के सृष्टि का कारण क्या है, इस बारे में चर्चा होना चाहिए। क्या दरकार था अविद्या जिसके जीवों का क्लेश पहुंचता है। कारणानुवसाई सृष्टि का प्रसंग में भागवत में तत्कृतिक अविद्या का सृष्टि का बात भी आता है, भागवत में ही आता है, ये कोई बनावटी नहीं है। इसी जगह कारणानुवसाई सृष्टि का विभाग 6 किस्म का बताना जरूरी है। सारे कारणानुसार महाविष्णु से आए हैं, श्रीमद् भागवत जी महापुराण में अविद्या का सृष्टि भी देखा जाता है। क्यों, पहले बात यह है, कारणानुसार जो महाविष्णु का सृष्टि, ये 6 किस्म का बताया गया भागवत जी महापुराण का 3 स्कंद में 10 अध्याय और 15-16 नंबर तक। मैंने श्लोक को नहीं बताया अभी, इसमें जो विशेष है ये बताने के लिए जा रहा हूं।
जथा ये कारणोंव साहित्य पहले हमने बताया महत्त्व का सृष्टि, दूसरा अहंकार तत्व का सृष्टि, तीसरा पंच तन्मात्रों और पंच महाभूत का सृष्टि, चौथा ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों का सृष्टि, पंचम इंद्रियाधिष्ठात्री देवतागण का सृष्टि और छ नंबर अविद्या का सृष्टि। कमाल की बात है, महत्त्व का सृष्टि एक कर्णोन्वसाई से महत्त्व का सृष्टि, इसके बाद आगे चल के अहंकार का महत्त्व विकार प्राप्त होकर अहंकार का अहंकार तत्व का सृष्टि, इसमें इनमें से तीन नंबर पंच तन्मात्रों और पंच महाभूत का सृष्टि, चार नंबर ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों का सृष्टि, पांच नंबर इंद्रियाधिष्ठाती देवतागणों का सृष्टि और छ नंबर का अविद्या का सृष्टि। अब ये प्रश्न आता है अविद्या क्या काम का क्या दरकार, लेकिन अविद्या का बारे में भागवत जी महापुराण में बताया गया, अविद्या का सृष्टि का संबंध में ऐसा बताया गया, षष्ठस्तु तमसहो सर्गो जस्तु अबुद्धिकृत प्रभो, क्या षष्ठस्तु षष्ठस्तु तमसहो सर्गो जस्तु अबुद्धिकृत प्रभो। विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद इसका टीका में बताया जे इच्छा करके भगवान इसका निर्माण जरूरी था, इच्छा मतलब भगवान जरूरी था, क्यों बल्कि क्यों माया का तीन वृत्ति है, ध्यान दे माया का तीन वृत्ति है, एक वृत्ति हमने बताया माया जो बैलेंसिंग अवस्था में रहते हैं सतरज तमगुण का जो सम्यक अवस्था बैलेंस अवस्था, इसका नाम है प्रधान, और दूसरा नाम है अविद्या, तीसरा नाम है विद्या, ध्यान दे माया का तीन वृत्ति है, एक प्रधान एक अविद्या और एक विद्या। प्रधान के द्वारा धीरे धीरे प्रकृति का तीन गुण क्षोभित होकर महत्त्व से लेकर पृथ्वी पर्यंत तत्व समूह का तमाम निर्माण हुई सृष्टि हुई, ये समस्त जीवों का समष्टि व्यष्टि रूप स्थूलो सूक्ष्म रुका उधा, मतलब जीवों का भोग का क्षेत्र, जीव जो भोग करे भोग के समान, और जीव का जो शरीर है ये भी एक भोग के समान समझता है बद्ध जीव, लड़का लड़की का ये जो शरीर है ये समस्त जीवों का समष्टि व्यष्टि रूप स्थूलो और सूक्ष्म उपाधि उत्पन्न हुई अविद्या के द्वारा, अविद्या के द्वारा जीव मोहित हो जाते हैं, अविद्या के द्वारा जीव अज्ञान अंधेरा में गिर जाते और प्रकृति को अपना भोग की समान समझकर एक दूसरे में एक दूसरे का साथ आनंद में उछल पड़ते हैं, किसको कौन भोगे प्रकृति क्रियामानानी गुणो कर्मैर अवसा, प्रकृति क्रियामानानी किस लिए, क्योंकि प्रकृति का अंदर में जैसे उदाहरण बताया था प्रकृति अपने आप क्रियामानानी नहीं है, प्रकृति का अंदर में चिन्मय जीवात्मा रहने का कारण प्रकृति एक्टिव लगता है, आई बात समझ में, ये अविद्या के द्वारा जीव विमोहित होकर तमाम जीव ये जगत में प्रकृति का गर्भ में आकर अपना अपना कर्मफल के अनुसार जो एक एक करके शरीर पकड़ा, ये एक 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 शरीर पकड़ा और तमाम दुनिया का जो चीज है सारे चीज को अपना भोग की समान माना, एक दूसरे को भोगना शुरू कर दिया, चाहे खाने पीने में सुनने में देखने में चलने में सब ये भोग की समान, ये अविद्या के द्वारा ये सिद्ध होता है। अगर ये अविद्या नहीं है, जीव अगर अपना स्वरूप को समझ लिया तो अविद्या काम नहीं करे तो ये भोगने के लिए दौड़ेगा नहीं, अगर अविद्या नहीं है जीव अगर अपना स्वरूप को समझ लिया तो जीवों का साथ, मैंने पहले भी बताया कई बार, जो ये प्रकृति का कोई संयोग नहीं है, संयोग इसलिए है संयोग बन गया, असली बात तो ये है चिन्मय जीव का साथ, चिन्मय जिसका साथ ये प्रकृति का कोई तालुकात नहीं है, कोई संबंध नहीं, फिर भी हैरान की बात है ये अपने को
प्रकृति का साथ संबंध मन के, ये मेरा बीबी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा स्वामी है, ये मेरा दोस्त है, ये मकानवारी है, ये मेरा संपत्ति है, पैसा सारे, मैं विद्वान हूँ है, मैं विद्वान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं यू नो वकील हूँ, ऐसा करके अभिमान अविद्या के द्वारा, अगर अविद्या नहीं है, कोई जीव अपना अपना पोजीशन का जो कर्म है, जो नाटकबाजी, ये जो जगत है, जगत प्रपंच हो, इट इज वन काइंड ऑफ ड्रामा स्टेज, आई बात समझ में, ये जो अविद्या के द्वारा जीवों का जो ये जो अवस्था है, इसमें क्या है, ये सारे जीव ये ड्रामा कर रहा है, एक एक करके शरीर पकड़ के, कोई पिता का कर्तव्य निभा रहा है, कोई बेटा का कर्तव्य निभा रहा है, कोई पत्नी का, पति का, भाई बंधु रिश्तेदारी का, ये ड्रामा कर रहा है। ये ड्रामा खत्म होने, नटो नट्टो धरो जथा, जैसे कुंती देवी ने बताई ना, नटो नट्टो धरो जथा, पीछे से भगवान है, जैसे पुतली का खेल होता है ना, एक काला धागा पतला, दूर से पता नहीं चलता, और पुतली सब नच रहा है, सोचे कि पुतली नच रहा है, असल में तो पुतली का अंदर तो प्राण नहीं है, एक ऐसा है पीछे में प्राण, वो नचा रहा है, इसीलिए नटू नटू धरो जथा, जैसे ड्रामा में एक 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 रोल का एक्टिंग करते हैं, निभाते हैं, ये अविद्या के द्वारा विमोहित जीव अविद्या के प्रभाव में अहम ममादि मैं मेरा ये ज्ञान उत्पादन करके शरीर में, शरीर को ही मैं मेरा ये समझ के राग देश के द्वारा अभिनिवेश जन्म राग देश के द्वारा चालित होकर जो अभिनिवेश होता है द्वितीय अभिनिवेश, ये पांच किस्म का अज्ञान जन्म लेता है। ये सत्व मिथ्यात्मक, ये जगत सच्चा भी नहीं है, झूठा भी नहीं है। मायावादी जब लोग जब प्रमाण करने का कोशिश किए, जगत प्रपंच है ही नहीं, कुछ नहीं है, ये सर्पे हैं, रज्जुते सर्पो भ्रम, ये मायावादी लोग पहले बहुत पहले चर्चा किया इस विषय में। अब ये जो सत्व मिथ्या, महाप्रभु जी ने मायावादी लोगों को समझाया, प्रकृति झूठा नहीं है, बिल्कुल मिथ्या नहीं है, लेकिन ये सत्य है, लेकिन अस्थाई है, अनस्टेबल, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये हो ही नहीं सकता, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है, तो भगवान का ये जगत भी सत्य है, लेकिन ये जगत का ऐसा ही प्रॉपर्टी है, नाशवान है, ये भगवान का ही व्यवस्था है। सो ये जगत को सच्चा और झूठा मिलाकर, सत्व मिथ्यात्मक ये जगत प्रधान अर्थात प्रकृति और प्रधान वो अविद्या के द्वारा सृष्ट, अविद्या मतलब जीव अविद्या में फंसा हुआ है, इसका नाम अविद्या, ये जो कर रहा है कुछ, ये अविद्या के द्वारा सृष्ट, आई बात समझ में, जीव ये जो सत्व मिथ्यात्मक, ये जगत संपूर्ण सत्य भी नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, ये सच्चा है लेकिन अस्थाई है, अनस्टेबल है, ये सत्व मिथ्यात्मक ये जगत प्रधान वो अविद्या के द्वारा सृष्ट, अविद्या किसका है, जीव का, अविद्या होने के कारण ये भूतों का मापिक नच रहा है, तो अविद्या के द्वारा सृष्ट हो, प्रधान के द्वारा, प्रधान और अविद्या का ज्वाइंट वेंचर, विद्या के द्वारा ये पांच किस्म का अज्ञान अंधेरा को काट कर जीव जा सकता है, हैं? विद्या के द्वारा ये पांच किस्म का अज्ञान अंधेरा को काट कर जीव जा सकता है, जो जीवों का जो कर्मफल भोग के लिए अविद्या का जरूरी है, जीवों का अपना अपना जो कर्मफल है ये भोगने के लिए मजबूर है, क्यों, ये अविद्या है, अगर अविद्या नहीं है तो ये कर्मफल तो भोग नहीं करे, तो ये जीव जो है कर्मफल इसको भोग करना ही है, जिसका जो कर्म है उसका फल को भोग करना है, तो जीव अपना कर्म फल को भोगने के लिए ये अविद्या का भी जरूरी है, अविद्या नहीं है तो भोग नहीं करे, इसीलिए अविद्या का निर्माण भगवान ने किए, विद्या अविद्या दोनों ही नित्य है, रहता है,
लेकिन अविद्या जा सकता है, है? और साधन भजन में प्रवृत्त होके गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा अगर विद्वा अज्ञान अंधेरा अज्ञान अतिविरंदस्व ज्ञानांजन सलाकया चक्षुर्मीलितम तस्मै से गुरुवे न, ये तो है ना। फिर उसका बाद और भी चर्चा है इस विषय में, बोले ये जो अविद्या है ये अविद्या का निर्माण जरूरी है और विद्या जो है ये धीरे धीरे विद्या के द्वारा पांच किस्म का अज्ञान जो अंधेरा है इसको काट कर, इसीलिए साधु संग सर्वशास्त्र को है लवमात्र साधु संग सर्वसिद्धि है, इस विषय बताया गया। ये विद्या के द्वारा जीव उद्बुद्ध होकर इसके इनके अंदर कॉन्शियसनेस चेतना का विकास हो और बाद में ये जीव कभी अगर भगवत भजन करना चाहे साधु गुरु संग करे इसके लिए विद्या का भी प्रयोजन है, और मूर्ख बदमाश लोगों के लिए अविद्या का भी जरूरी है, इसलिए जरूरी जरूरी है। सो ऐसे करके सृष्टि का निर्माण में भगवान का ये जो विद्या और अविद्या दोनों का ही जरूरी है, ये अगर नहीं रहे तो होगा नहीं। अब आगे चलकर ज्यादा चर्चा करें तो समय नहीं मिलेगा, इसलिए आगे चलकर सृष्टि का क्रम ग्रेजुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस क्रिएशन वैश्व सृष्टि विसृष्टि जिसका बारे में विसर्ग को बताया गया, इसका बारे में थोड़ा चर्चा करें तो अच्छा है। वो क्या है, मैंने गर्भोदक गोसाई नाभि पद्मों गर्भोदक गोसाई महाविष्णु का नाभि पद्मों से ब्रह्मा का जन्म पहले भी बताया, जस्यांबसी शयनस्य जोगो निद्राम वितनवतः नाभि हृदात अंबुजात आशित ब्रह्मा विश्व सृजनपति ही, योग निद्रा अवलंबन करके पानी में सोए हुए भगवान का नाभि कमल से उद्भूत पद्मों इसमें विश्व सृष्टा ब्रह्मा का आविर्भाव, ब्रह्मा ने अपने को आविष्कार की। और ये महापुरुष का ये जो प्रथम ये जो कारणोन्नवसाई विष्णु कारणोन्नवसाई से गर्भोदगसाई और गर्भोदगसाई का नाभिकमल से उत्पन्न हुआ, आई बात समय में पहले भी कह चुके, ये गर्भोदगसाई का नाभिकमल से ब्रह्मा का जन्म है जिसका बारे में हमने बताया, जस्यांबसी शयनस्य जोगो निद्राम वितनवतः नाभि हृदात अंबुजात आसीत ब्रह्मा विश्व सृजनपति, ये जोगो निद्रा अवलंबन पूर्वक पानी में सोए हुए ये गर्भोदगसाई भगवान से नाभि हृदय से उद्भूत एक पद्म इसमें ब्रह्मा अपने को आविष्कार किए, ये नाभि पद्म उत्पन्न हुए और इसमें धीरे धीरे ब्रह्मा, इसका बारे में भी हमने पहले भी चर्चा किया, ओ सृष्टि तत्वों का और जो शिवजी महाराज का क्या योगदान है इस बारे में वो भी हम बताया। जो ब्रह्मा कभी एक कल्प में कोई जीव नहीं मिला, जो ब्रह्मा का पोस्ट ब्रह्मा का जो आसन है ले सके, अगर ऐसा अगर कल्प में कोई नहीं मिला तो भगवान को ही ब्रह्मा बनना पड़ता है, और जिस कल्प में ऐसा कोई यज्ञो यज्ञो कोई मिले जीव तो उसको ब्रह्मा पद दिया जाए, ये सख्त ऐसे गुणावतार मगर चर्चा में आया, मैंने चर्चा किया पहले। अब ब्रह्मा का जो विसर्ग है इसका बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करना जरूरी है, नहीं तो ये सृष्टि रहस्यों का बारे में सृष्टि तत्वों का ये जो चर्चा मैंने किया है ये अधूरा रह जाएगा, ये अधूरा रह जाएगा। ये सृष्टि ब्रह्मा का जो सृष्टि है ये वैकारिक सृष्टि बताया गया, ये स्थावर का सृष्टि, इसके बाद जंगम, पहले स्थावर मतलब चल नहीं सके,
पेड़ पौधा आदि जब कुछ है, ये स्थावर 6 किस्म का है। आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा मैं जानता नहीं, फिर भी करने के लिए मजबूर हूं। स्थावर का सृष्टि 6 किस्म का है। पहला है वनस्पति। वनस्पति किसको बोला है? जिस सकल वृक्षों में पुष्पों छोड़कर फल होता है वनस्पति। आई बात समझ में? जैसे नारियल, इसमें फूल फूल कुछ नहीं, फल आता है। तो वनस्पति ये सकल वृक्षों, ये सब वृक्षों में पुष्पों छोड़कर फल पैदा होता है, इसका नाम है वनस्पति। द्वितीय औषधि है, जिस सकल वृक्षों में फल परिपक्व अवस्था में विनष्ट हो जाता है, गिर जाता है, यादव के औषधि बोला जाता है। जैसे केले का वृक्ष है औषधि। तृतीय लता है, ये सब उद्भिद ये वृक्ष आरोहण करता है, मैंने कोई सपोर्ट दे, ये किस सहारे से आगे चलता है, किस सहारे से आगे चलता है, बिना सहारे मिट्टी में गिर जाए, इसको लता बोला जाता है। ये सकल उद्भिद दूसरे वृक्षों का सहारे या किसी भी सहारे ऊपर जाता है, इसका नाम लता। चतुर्थ किस्म का तक्षार, मतलब बेनु प्रवृत्ति, अर्थात जैसे बैम्बो है, बैम्बो मतलब बांस है ना, बांस झाड़, ये इसका अंदर में हॉलो है, कुछ नहीं है, ये बेनु, ये जो बैम्बो है ये तक्षार, मतलब ये अंदर में कुछ नहीं है, ये चार किस्म, चार नंबर का। पांच नंबर का होता है बिरुद्ध। बिरुद्ध मतलब ये भी एक किस्म का लता विशेष। पूर्वोक्तो लता से बिरुद्ध कठिन है, बिरुद्ध वृक्षों में आरोहण का अपेक्षा नहीं रखते हैं, बिरुद्ध ये भी एक किस्म का पेड़ पौधा है। षष्ठो छह नंबर है वृक्ष, जो किसी के सहारे के बिना अपने आगे चलता है, फल भी होता है, फूल भी होता है, ये वृक्ष है। इस स्थावर समूह, इनके जो आहार है, ये नीचे से आहार संग्रह करके ऊपर चालन देते। आई बात समझ में? ये जो स्थावर समूह है, ये जो स्थावर का, ये स्थावर सृष्टि का जो वर्णन की, ये इसका खाने वाले जो चीज है, ये खाने का सामान नीचे से लेकर ऊपर में धीरे धीरे ट्रांसफर करता है, ट्रांसलेट उर्दू दिखे वर्दी तो है, वो खाने धीरे धीरे जाए ऊपर, ठीक है। और परिणाम आदि का विभेद का अनुसार स्थावर का विभिन्न तरह तरह का भेद हो सकता, लेकिन उतना टाइम नहीं है। और जो ये जो है आपका स्थावर सृष्टि एक नंबर, दूसरा है तिर्यक सृष्टि। तिर्यक सृष्टि क्या है? न तिर्यक प्राणी, ये भविष्यत ज्ञान नहीं है, इसका विचार बुद्धि नहीं है। दे आर डूइंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर इंस्टिंक्ट, सहजात प्रवृत्ति, इनके सहजात प्रवृत्ति का अनुसार ये आगे चलता है, और आगे कुछ नहीं जानता विचार, इसको बुद्धि बुद्धि कुछ नहीं है। सो तिर्यक प्राणी जो है ये भविष्यत ज्ञान शून्य है, तमगुण विशिष्ट होता है, केवल आहार मैथुन ये सब है और कुछ नहीं जानता, केवल आहार स्वयं इसमें ही व्यस्त है। ये लोग घ्राण के द्वारा अपना वस्तु का अनुसंधान कर लेते हैं। ये जो तिर्यक जो पहले कृष्ण का बताएं, ये घ्राण इंद्रियों के इतना टगरा है कि घ्राण इंद्रियों के द्वारा अपना क्या चाहिए अभिलाषित वस्तु पहचान लेता, जान लेता। इन लोगों का हृदय में, इन सभी का हृदय में कोई ज्ञान रहता नहीं। ये लोग फ्यूचर क्या होगा ये सब नहीं समझता। दीर्घानु संधान सुनो, जानता नहीं कुछ। ये तिर्यक पाणी, ये तिर्यक पाणी का बारे में जो बताया, ये तिर्यक सृष्टि में 28 प्रकार का व्याख्या हम करें, शास्त्रों का व्याख्या का अनुसार
भागवत का व्याख्या के अनुसार गो गोमाता गो छाग महिष कृष्ण मतलब एक मृगो एक किस्म का मृगो है शुकर गवयो रुरु ये भी मृगो विशेष ओबी मेष उष्ठो ये नौ प्रकार का पशु जो है ये दिशा मतलब इसका पैर में जो हुप है खुर ये जो इसका जो पैर है गोमाता का जो खुर है ये दो डिवाइडेड है आई बात समझ में गोमाता का पैर को देखे इसमें इसका खुर का दो भाग है टू पार्टीशन ये नौ प्रकार का जो पशु हमने बताए दिशफ मैंने कहा खुर दो भाग है गो गोमाता छाग महिष कृष्ण मतलब मिगो विशेष शुकर गवयो हो और रुरु मतलब ये भी मृगो विशेष है ओबी मतलब मेष और उष्ठ ये नौ प्रकार का पशु है ये दिशफ अर्थात इनके हर हुप खुर में पद में दो भाग है खुर का दो पार्ट है अच्छा और गर्धव गर्धव अश्व अश्वतर खच्चर गाधे खच्चर गौर मृग विशेष सौरव एवं चौर्मी ये छह प्रकार का ये छह प्रकार का जो पशु है एक शव अर्थात एक एक पैर में एक खुर है एक एक पैर में एक घोड़े का खुर का डिवीजन नहीं है गधे का नहीं है खच्चर का नहीं है ये एक एक हुप है खुर एक है हर पद में एक एक खुर है और एक किस्म का है ये छह किस्म का बताया तो नौ इसमें हमने बताया ये सब ये नौ प्रकार का और छह प्रकार का हो गया और आगे चलकर कुकुर आगे चलकर कुकुर श्रीगाल माने गिदर कुकुर श्रीगाल गिदर ब्रिको है बैग्रो बिराल शोषक शल्लक माने सजारू सिंह बानर हस्ती कच्छप कछुआ गोधा माने गोसाप एक किस्म का सांप है कुमेर का माफी देखने से ये गोधा माने गोसाप ये द्वादश किस्म का जो पशु है इनके पंच नखो है पांच नख है एक एक पैर में पांच नेल है नखून पंच नखो ये देखे एक एक पांच पांच करके एक एक पैर में नखून है और मकर आदि जलचर और गृधो कंको गृधो बको शेनो डांस भल्लक मयूर हंसो सारस चक्रवाक पेचक ये सकल जल जंतु है अर्थात ये सकल जंतु खेचर है खेचर माने आसमान में विराजमान मकर आदि जलचर है मकर आदि ये तो जलचर है प्राणी मकर आदि मतलब मछली भजी सब ये सब जलचर है और एक किस्म का एक कंको शकुन वालचर गृदो गृदो मतलब ये शकुन है कंको गृदो बॉक शेन डांस भल्लक मयूर हंसो सारस चक्रवाक पेचक ये सब जलजंतु खेचर है तो मकर आदि मछली आदि जो जलचर है तिमी हैं ये सब जलचर है हैं ऑक्टोपस सार्क हैं है ना ये सारे जलचर है डॉल्फिन सारे जलचर है और कंको गृदो बको शेनो डास भल्लक मयूर हंसो सारसो चक्रवाक पेचक ये सब जंतु खेचर है अर्थात आसमान में विचरण करने वाले ये सारे मिलाकर ये सारे तिर्यक प्राणी का दिशप नौ किस्म का एक सप छ किस्म का पंचनक एक जो करे मोर 27 किस्म का होता है भूचर और मकरादि जलचर ये सब लेकर एक श्रेणी मतलब 28 किस्म का हो गया। अब मनुष्य सृष्टि का प्रसंग आता है। मनुष्य एक श्रेणी का अंदर में आता है। मनुष्य
का जो आहार आदि संचार निम्न दिक में आहार खाता है नीचे जाता है और नीचे जाए अक्लोएकल ये जो स्पेस उसमें से निकल जाता है दूषित पदार्थ तो मल मूत्र विष्ठा को तय करना और इनों का अंदर में रजोगुण प्रधान है इसलिए ये कर्मों करना चाहता है कर्म तत्पर कुछ कुछ ना कुछ करना चाहता है और दुखों को भी सुख मानता है ये दुखों को भी दुख है लेकिन सुख मानता है आह की आनंद है भौसिक ऐसा सृष्टि है सो ऐसा करके मानव जाति का सृष्टि मानव जाति का सृष्टि में इनके विचार बुद्धि है सोच भविष्यत का चिंता करना चाहता है जैसे वशिष्ठ मुनि जी बताए आहार निद्ध भय मैथुनंच समान्न मेतत पशुभि नरानम है ज्ञानो विशेषो अधिको नरानम ज्ञानेन हीना पशुभि समाना अगर आदमी मनुष्य का अंदर में ज्ञान विचार विवेक बुद्धि नहीं है ये दो पहिया पशु है आहार निद्ध भय मैथुनंच समान्न मेतत पशुभि नरानम ज्ञानो विशेष अधिको नरानम ज्ञानेन हीना पशुभि नरानम अब इसमें ब्रह्मा का जो सृष्टो जीव है ये सब बताया इसमें मनुष्य का सृष्टि में सनत कुमार आदि मन से आविर्भूत हुआ है ऐसा इसका भी प्रसंग आता है ये ब्रह्मा का वैकारिक सृष्टि में देव सृष्टि आठ प्रकार का है देव सृष्टि मनुष्य सृष्टि बताया ये तो है? और वैकारिक सृष्टि वैकारिक देव सृष्टि में आता है ब्रह्मा के तो वैकारिक सृष्टि आठ प्रकार का है इसमें देव पृथ्वी असुर असुर मतलब असुर देव पृथ्वी असुर गंधर्व अप्सरा जक्षो रक्षो सिद्धो चारण विद्याधर भूत प्रेत पिशाच किन्नर किंग पुरुष ये जो है देव पृथ्वी असुर ये तीन एक किस्म का है गंधर्व अप्सरा उभय मिले एक किस्म का है जक्षो रक्षो ये दोनों मिलकर एक किस्म का है सिद्ध चारण विद्याधर तीनों मिलके एक किस्म का कैटेगरी है भूत प्रेत और पिशाच ये तीनों मिलकर एक कैटेगरी का है किन्नर किंग पुरुष इत्यादि एक किस्म का कैटेगरी ये आठ किस्म का विभेद है ये वैकारिक देव सृष्टि में और ऐसा करके प्रकृति और पुरुष के संयोग के द्वारा ऐसे ही प्रकृति और पुरुष के संयोग के द्वारा कैसे अद्भुत ये तमाम ये सृष्टि का रचना धकाधक आगे चलते रहे और जिस जन्म में भगवान का भक्ति मिलता है ये सृष्टि का तमाम रहस्य पता चलता है माया का तमाम रहस्य पता चलता है इसका बाद जीव सावधान होके भगवान का चरण का सेवा करने के लिए व्यस्त हो जाते हैं और भगवान का चरण कमल में नित्य धाम में पहुंचे और सेवा करने का कोशिश करें यही सृष्टि का मोटा मोटी रहस्य हमने चर्चा करने के लिए इच्छा प्रकट की और आगे और चर्चा करें तो उचित नहीं है क्योंकि ऐसे ही आप लोगों का लिए तो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगे असंभव ये याद रखना समझना बहुत मुश्किल है तो जो भी है जो श्लोक देके मैंने शुरुआत किया था उसका भी थोड़ा चर्चा जरूरी है जो जंग ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मूर्तो जो स्टॉप करते रहते तमाम दुनिया हा भगवान कृपा करो दया करो ऐसा करके और भगवान का चरण कमल का एक दर्शन एक पल भर के लिए दर्शन करने के लिए तरसते रहते हैं है? और ये भगवान परात्पर अखिलेश्वर ईश्वर परम विश्व सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कर ये क्या चीज है क्या वस्तु है इस बारे में पुनः पुनः सोचना चाहिए बड़ा आश्चर्य कि ये
हैरान करने वाले ये तमाम सृष्टि, आहा कैसे भगवान ने सृष्टि किए। जांग ब्रह्म वरुणेन्द्र उद्दमरुतो स्तुन्मन्ति दिव्यस्तवै वेद संग पद क्रम उपनिषद गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तदगते न मनसा पश्यन्ति यम योगिना यस्यन्तं न विदुः सुरा सुरगणा देवायुतास्मै नमः। वांछ कल्प दुर्वश्य के बासिंद पतितानं पावन भो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।